यस ओके। अच्छा है, साथ ही साथ बेटा YTP भी लाइव है सेशन, सो एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो आवाज भी आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर आइए। सो सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उन सबको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दोस्तों मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स बीसी के पढ़ाता हूं। एंड जैसे ही आप फाउंडेशन पास हो जाएंगे तो सीए इंटर में भी आप मुझसे पढ़ने आ जाना बेटा, एफएम एंड ईएफएफ। ठीक है, आप सबसे पहले बेटा मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे, तो आप मेरे प्रोफाइल के थ्रू कम्युनिटी एक्सेस कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं अपडेट्स डालूंगा मेरे क्लासेस के, एंड आप साथ ही साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। राइट, अनअकैडमी जो है दोस्तों आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता है, स्पेशल क्लासेस फ्री होती है, लेकिन अगर आप हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर वे में प्लान मैनर में पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों में सेम क्लासेस होती है पर प्लस में पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, एंड आइकॉनिक में प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि वन टू वन लाइफ मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। सो अभी हमारा सीए फाउंडेशन नवंबर 22 वाले बच्चों के लिए आ रहा है एकाग्रता 2.0 बैच, जो 16 जून से स्टार्ट होने वाला है। 16 जून से बेटा स्टार्ट होने वाला है हमारा ये बैच, बहुत ही जबरदस्त बैच रहने वाला है। एंड इसको आप सब्सक्राइब करने के लिए अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन एमवी सर कोड यूज करके जरूर लीजिए, तो आपको जो है एडिशनल डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। चलिए सो बात करेंगे बेटा इकोनॉमिक्स में। यस कम ऑन। हाँ तो यहाँ पे बात करेंगे बेटा इकोनॉमिक्स में टोटल है बेटा 5 चैप्टर्स, 5ों चैप्टर्स का रिविजन हमने आपको मतलब इसमें से 4 चैप्टर का रिविजन ऑलरेडी आपको करवा दिया है, एंड आज ये हम 5th चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं। सर ये हमारे जो रिवीजन जो हमारे ये सेशन से कहाँ से देख सकते हैं, तो इस एक लिंक को बेटा याद रखना है, ये एक लिंक आपको याद रखनी है, वो है bit.ly/mvsirunacademy। ठीक है, ये एक लिंक है बेटा। इस एक लिंक पे क्या होगा बताइए, इस एक लिंक पे जो है आपको सारे के सारे आपको क्या मिलेगा बेटा बोलो ना जल्दी से, आपको यहाँ पे मेरे सारे के सारे क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पे जाइए, मैं इधर लाइव चैट बॉक्स में भी पिन करवा रहा हूँ। यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं उनको बता दो कि उनके जो ये है ना अन अकेडमी, एक मिनट रुकिए लिंक मैं से ठीक कर लेता हूँ, bit.ly/mvsirunacademy। ठीक है, ये लिंक ओके। तो ये हमारा लेक्चर ट्रैकर है, ये हमारा लेक्चर ट्रैकर है, इस पे आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको एक बार क्विकली बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बेटा आपको टोटल 3 टैब्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको टोटल 3 टैब्स मिलते हैं, टैब है ना, वो टैब होता है एक इंटर का है, एक फाउंडेशन का है, एक सब्सक्रिप्शन लिंक से। ठीक है, तो आपको फाउंडेशन के टैब पे जाना है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का रिवीजन, उसका एमसीक्यू, चैप्टर 3 का रिवीजन, उसका एमसीक्यू, चैप्टर 4 का रिवीजन, उसका एमसीक्यू करवा दूंगा, चैप्टर 2 के यही सारे रिवीजन वीडियोस हैं और चैप्टर 5 का भी ले रहा हूँ। इसी प्रकार से बीसीके का चेक करेंगे, बीसीके चैप्टर 1 का रिवीजन एमसीक्यू, चैप्टर 2 का रिवीजन एमसीक्यू, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो बीसीके में बस अब एक हमारा बचा है चैप्टर, वो है बीसीके चैप्टर 6। तो बीसीके चैप्टर 6 जो है बेटा ये मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, बीसी के चैप्टर 6 जो है बेटा ये मैं लेने वाला हूँ 6th of June से, है ना, 6th of June से 1 PM से स्टार्ट होगा। अराउंड 3-4 दिन में हम इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। समझ में आ गई, पता बताइए फास्ट, यस और नो? हाँ, जून के मैराथन जो है यूट्यूब पे होंगे, यस। एंड 10 जून से मैराथन्स आएंगे, मैराथन्स बेटा जब आएंगे ना हमारे मैराथन्स, तो मैराथन में क्या करेंगे हम, मैराथन में हम हर एक चैप्टर कर लेंगे दन्न से, बस बीसी के चैप्टर 6 वापस से नहीं करेंगे। बीसी के चैप्टर 6 आपको यही से करना है, बीसी के चैप्टर 6 आपको यही से करना है, वो वापस नहीं होगा। तो अभी जो 6th जून से मैं करवा रहा हूँ वो आपको करना है। ठीक है, हाँ डिमांड करवा दूंगा, मैराथन में डिमांड करवा दूंगा। ठीक है, चलो ओके आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल्स की, है ना। तो जैसे ही मैं इस जो है इस चैप्टर के बारे में जब मैं सोचता हूँ, है ना, जैसे ही मैं इस चैप्टर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक गाना याद आ जाता है, किसका बताइए, है ना, नहीं सोनू सोनी का नहीं रे, सोनू सोनी का नहीं, क्या बताइए, हमें गाना याद आ जाता है मिस्टर इंडिया मूवी का, है ना, मिस्टर इंडिया मूवी का। और मिस्टर इंडिया मूवी जो है ना, उसमें गाना है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है ना। तो बस
ये जो हमारा ये जो गाना है ना बेटा, ये बिजनेस साइकिल के ऊपर बना हुआ है। बोलते देखो जिंदगी में ना बेटा हार जीत तो चलते रहती है, बस इसी प्रकार से हमारे इकोनॉमी में जो है हमारा जीडीपी का लेवल भी कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी गिरता है, फिर वापस से बढ़ता है, वापस से गिरता है। तो जैसे हमारे जीवन में जो है खुशियां और दुख ये आते जाते रहते हैं, कभी कभी खुशी का है ना समा होता है, कभी कभी दुख का समा आ जाता है, तो बस ये चलते रहता है जिंदगी की तरह। वैसे ही हमारे इकोनॉमी में जो जीडीपी है उसके वैल्यू कभी कभी बढ़ती है, कभी कभी गिरती है, कभी कभी बढ़ती है, गिरती है, पर ऐसा कभी नहीं होता। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आपके लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है, कभी खुशी आई नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। बोले कभी भी जीडीपी का लेवल अगर गिरेगा 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 तो कभी ना कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा ही कि वापस से जीडीपी का लेवल बढ़े। समझ में आ रहा है? तो ये बातें हम कहाँ देखते हैं बताइए? हमारे बिजनेस साइकिल्स में। तो बिजनेस साइकिल्स जो है क्या बताता है कि हमारे इकोनॉमी में जो एग्रीगेट आउटपुट होता है, जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वो इस वे से चलते रहते हैं, इस साइकिल से चलते रहती है कि कभी कभी इनकी वैल्यू एकदम से इंक्रीज होना चालू हो जाएंगी, फिर पीक पे पहुंचेगी, फिर गिरेगी, है ना। तो एक्सपांशन स्टेज में सारी चीजें बढ़ती है, फिर पीक स्टेज आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आता है जब चीजों की वैल्यू गिरती है, फिर ट्रफ आता है और फिर वापस से एक्सपांशन आता है ना। तो अब ये स्टेजेस आते क्यों है ये हम देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहली बात बिजनेस साइकिल्स क्या होता है, तो प्लीज देखेंगे इस पे एमसीक्यू आता है। The rhythmic fluctuations in the aggregate economic activity that an economic experiences over a period of time are called as business cycle and trade cycle. तो आप business cycle को trade cycle भी बोल सकते हैं, ठीक है सर। इसमें जो है बोलता है business cycle में कुछ ऐसे period होते हैं which are called as periods of good trade and कुछ ऐसे period होता है बेटा जिसको बोलते हैं periods of bad trade. तो periods of good trade का मतलब क्या होता है? जब सारी चीजें अच्छी अच्छी चल रही है, चीजों की prices बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना, साथ ही साथ क्या हो रहा है बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम है, मतलब क्या, लोगों को आसानी से जॉब्स वगैरह मिल रही है। सर चीजों की प्राइसेस बढ़ना अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा, ये अच्छी बात होती है। जो बिजनेसमैन होते हैं ना उनके लिए अच्छा होता है कि धीरे धीरे प्राइसेस बढ़े ना चीजों की, तो लोग जो फर्म्स होते हैं, बिजनेस फर्म्स होते हैं, उनका धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा प्राइसेस अगर बढ़ जाए वो गलत बात होती है ना। तो उसकी भी डिस्कशन हम आगे करेंगे। नेक्स्ट फिर बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल में कुछ होते हैं पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड एंड फिर समा आता है बेटा बैड ट्रेड का, जिसमें जो है प्राइसेस दनादन गिरना चालू हो जाती है या जहां पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जनरली कॉन्ट्रैक्शन में बेटा ऐसा होता है, लोगों के पास जॉब्स वगैरह ही नहीं होती, लोगों के पास इनकम वगैरह ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट बोलता है अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल इज दैट दे अकर अगेन एंड अगेन, मतलब क्या कि देखो ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, कभी एक्सपांशन आएगा फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, एक्सपांशन आएगा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, एक्सपांशन आएगा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये इस प्रकार से ही हमारी इकोनॉमी चलते जाने वाली है। ऐसे ही पहले जीडीपी की लेवल बढ़ेगी फिर गिरेगी, फिर बढ़ेगी फिर गिरेगी, ये इस प्रकार से ही चलता रहेगा, ये बार बार अकर करते हैं। इसे बोलते हैं बेटा रेकरेंट, कि हमारे बिजनेस साइकिल्स जो है वो क्या होते हैं, रेकरेंट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? रेकरेंट नेचर के, बट दे आर नॉट ऑलवेज एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब कि यहाँ पे एक चीज क्या है, आप ये देखो, मैं ये पक्का बता सकता हूं कि एक्सपांशन आएगा फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, एक्सपांशन आएगा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये पक्का होगा। लेकिन अगर पहली बार एक्सपांशन 6 महीने के लिए आया तो अगली बार भी एक्सपांशन 6 महीने में के लिए आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। समझ लो कि हर 3-3 महीने में, है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि पहले 3 महीने एक्सपांशन फिर 3 महीने कॉन्ट्रैक्शन 3 महीने एक्सपांशन, ये ऐसी चीजें नहीं होती, है ना। बोलता है कि ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होते और वो सेम लेंथ के नहीं होते। सेम लेंथ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पिछली बार जब एक्सपांशन आया था तो 2% से जीडीपी बढ़ी थी, तो अगली बार जब एक्सपांशन आएगा तो वापस से 2% से जीडीपी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है 4 फेजेस है आपके बेटा बिजनेस साइकिल में, है ना, 4 स्टेजेस है या 4 फेजेस है। तो पहला फेज या पहला स्टेज होता है एक्सपांशन स्टेज, जिसको आप बूम या अपस्विंग बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है सारी चीजें, जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, तो ये क्या बताइए, सारी चीजें ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए इसे अपस्विंग बोलते हैं। क्या? अपस्विंग, या सिर्फ बूम भी बोल सकते हो। इसी प्रकार से बेटा पीक को भी आप बूम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है सर एग्जाम में एमसीक्यू आया तो कि बूम किसको बोलते हैं, एक्सपांशन बोले कि पीक बोले, ऐसा टाइम पास का सवाल नहीं आता है, ठीक है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं इन लोगों को ही वो पेपर बनाने नहीं देता क्या आईसीएआर, ठीक है।
चलो आगे बढ़ेंगे। तो पीक को भी आप बूम या इसे प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। तो ये टॉप मोस्ट है ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट होता है बिजनेस साइकिल का, राइट। देन आता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें चीजों की वैल्यू गिरती है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, जब चीजों की वैल्यू गिरती है, तो इसलिए डाउन स्विंग बोलते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ सारी चीज जा रही है, डाउन स्विंग है ना, या तो इसे रिसेशन भी बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन में भी क्या फर्क है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली जो लोएस्ट पॉइंट होता है बेटा बिजनेस साइकिल का, उसे बोलते हैं ट्रफ, या इसे डिप्रेशन बोलते हैं। क्या समझ में आ रही बात है? सिंपल सिंपल चल रहा है यहाँ तक, है ना, सिंपल सिंपल यहाँ तक बातें चल रही है। ओके सर, डन 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 डन, ठीक है सर, नेक्स्ट। अब जो है, अच्छा मैं और एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं देखा है तो भैया तो दिक्कत ही होंगी ना, रिविजन क्लास चल रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर मैं तो पूरा मैराथन से कर लेता, रिविजन से कर लेता, तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत एकदम एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं एकदम ही डीप डीप जाके बहुत ज्यादा सारे लॉजिक्स बताते बैठूंगा, वरना खत्म ही नहीं होगा बेटा सेशन, ठीक है। एक बार तो भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए, और अगर समझो नहीं पढ़ा है और जून में एग्जाम है, तो फिर तो अब ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर यही देख लो। अगर जून में एग्जाम है और अगर आपने नहीं देखा पहले, तो अब क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं, ऑप्शन है, फिर यही देख लो, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट। तो अब बात आती है सर एक्सपांशन स्टेज जो है, एक्सपांशन स्टेज, राइट। हाँ वरुण बोल रहा है बेटा यूट्यूब पे, सर आपके सारे रिकॉर्डेड क्लासेस देखने के बाद इकोनॉमिक सब्जेक्ट समझ में आने लगा है। अरे क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। चलिए हाँ, चलो आ जाओ, ठीक है सर, आगे। यस चलिए, सो अब ध्यान देंगे। ओके तो सबसे पहले बेटा क्या है बताइए, एक्सपांशन स्टेज। बोलता है एक्सपांशन स्टेज क्या होता है, बोलता है एक्सपांशन स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां पे रियल जीडीपी या जीडीपी की वैल्यू आपकी इंक्रीज होते रहती है, इंक्रीज होती है ना। सबसे पहली बात बेटा जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक बार क्विकली बता रहा हूँ। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर इसका मतलब नहीं, इसका फुल फॉर्म है। तो जीडीपी का मतलब होता है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे इकोनॉमी, हमारे कंट्री में कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो एक्सपांशन स्टेज में ये जो जीडीपी की वैल्यू होती है बेटा, ये बढ़ती है, ये जनरली बढ़ती है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज होता है बेटा जहां पे जो है ना चीजों की डिमांड काफी ज्यादा होती है ना, चीजों की डिमांड काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट मतलब क्या, वही जीडीपी की बात कर रहा है, यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है। अब सोचना बेटा क्या होता है, सुनिए बात ध्यान से, अब सोचना है, मैं इसका एक चार्ट बना रहा हूँ, ये चार्ट आप बना लेंगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है, प्लीज ध्यान देंगे इधर। यस गाइस कम ऑन। तो एक्सपांशन स्टेज में क्या होता है, हाँ एक्सपांशन स्टेज में बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका नेशनल आउटपुट या जिसे मैं बोल सकता हूँ जीडीपी की वैल्यू, ये बढ़ती है ना। अब इससे बेटा क्या होता है, इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है कि अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो बिजनेस फर्म्स होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, है ना, तो उनको लगता है यार सब सारे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फ्यूचर में डिमांड ज्यादा होंगी तभी इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सब लोग सोचते हैं चलो हम भी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएंगे। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बेटा हमें करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फर्म्स को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपने बिजनेस में। तो इकोनॉमिक्स में हम जब शब्द पढ़ते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल गुड्स या मशीनरीज खरीदता है, ऐसे गुड्स खरीदता है जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो सके बाकी गुड्स का, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। जैसे अगर मैं मेरे बिजनेस में मशीनरी खरीदूं और उस मशीनरी से दूसरे गुड्स बनाना चालू करूं, तो उसे बोलेंगे, उस मशीनरी को खरीदने को मैं बोलूंगा कि मैंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए एक्सपांशन स्टेज में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट बढ़ता है मतलब सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, और कैपिटल गुड्स खरीदते हैं और मशीनरीज और इक्विपमेंट्स खरीदते हैं जिससे और प्रोडक्शन कर सके। अब ये लोग जब मशीनरीज एंड ये सारी चीजें खरीदेंगे, तो क्या ओनर खुद जाके मशीनरी को चलाएंगा क्या?
नहीं, तो हमें कौन लगेंगे बेटा, लेबरर्स लगेंगे, एम्प्लॉयज लगेंगे, तो हमें और लोगों को हायर करना पड़ेगा, हमें लेबरर्स लगेंगे है ना, हमें एम्प्लॉयज लगेंगे तो हमें और लोगों को हायर करना पड़ेगा, यस। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे जो है एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट का लेवल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होता है, जॉब्स मिलती है। अच्छा सर, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेटा जॉब्स मिलेगी तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे जो बेटा लोगों की इनकम बढ़ेगी है ना, तुमको जॉब लग गई अच्छी तो तुम्हारी इनकम आपको मिलना चालू हो जाएगी ना, तो लोगों की इनकम बढ़ना चालू हो जाती है। अच्छा, लोगों की इनकम बढ़ना चालू हो जाती है। अब जैसे ही इनकम बढ़ती है तो ये लोग बोलते हैं चलो चलो अब हमारी तो इनकम बढ़ रही है तो अब हम और चीजें खरीदते हैं, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है ना, सो डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज ये बढ़ना चालू जाता है ना, डिमांड फॉर बढ़ना चालू, तो ये लोग एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो क्या होगा, ये जो बिजनेस फर्म्स वाले थे, बिजनेस फर्म वाले, उन लोगों का सेल्स बढ़ेगा, उन लोगों का सेल्स बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, सेल्स अगर बढ़ता है, अगर सेल्स बढ़ेगा मतलब क्या है बेटा, अगर सेल्स है ना, अगर डिमांड बढ़ेगा तो लोग ज्यादा चीजें जाके खरीदेंगे मार्केट से, अगर डिमांड बढ़ेगा तो लोग जो है ज्यादा चीजें जाके खरीदेंगे मार्केट से, यस उन्होंने बताइए ना फास्ट, यस। एंड आवाज नहीं आ रही क्या, हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो फ्यूचर और क्या होगा, से जीडीपी की लेवल बढ़ेगी और नेशनल वापस से नेशनल आउटपुट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, तो इससे ये फिर वापस से ये होगा, ये सारी चीजें कहाँ होती है, एक्सपांशन में होती है। सर लैग आ रहा है, एक मिनट रुकेंगे, चलिए क्या अब आवाज आ रही है, बताइए क्या अब आवाज आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी चीजें होती रहती है, कोई बात नहीं, बताइए आवाज आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर, चलो डन। तो ये बात समझ में आ गई, तो ये कहाँ होता है बताइए, एक्सपांशन स्टेज में होता है। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज याद रखनी क्या है बताइए, बात ये है, ये बात है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा सुनिए बात ध्यान से, अच्छा ये बताने के पहले और एक चीज सुन लो, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे बिजनेस फर्म्स वालों को इन्वेस्टमेंट करना है और इनको क्या करना है, हमारे बिजनेस फर्म्स वालों को जो है क्या करना है, मशीनरीज इक्विपमेंट खरीदना है, तो इसके लिए पैसा लगेगा। अब पैसा कहाँ से लेके आए, तो खुद का पैसा यूज करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, लेकिन बहुत बार हमें बैंक से भी लोन लेना पड़ सकता है, तो एक्सपांशन के स्टेज में बैंक क्रेडिट या बैंक्स जो है ये ज्यादा लोन्स बांट पाती है, क्योंकि ज्यादा से लोग, ज्यादा लोगों को पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बैंक क्रेडिट भी बढ़ता है। साथ ही साथ बेटा जब किसी कंपनी का बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ना चालू हो जाएगा ना,
जब किसी कंपनी का बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा तो उसके उस कंपनी का मार्केट का जो शेयर प्राइस होता है उसकी भी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, अरे वाह एमएबी फूड्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है, चलो इसका शेयर खरीदते हैं, एमएबी फूड्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो चलो इसका शेयर खरीदते हैं। तो जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ता है ना तो उसके शेयर की मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन डिमांड तो सप्लाई तो लिमिटेड है, नंबर ऑफ शेयर्स तो लिमिटेड है, पर डिमांड दनादन बढ़ रही है, तो इसके वजह से जो है डिमांड सप्लाई को एक्सीड करना चालू कर देता है, जिससे शेयर प्राइस बढ़ना चालू हो जाती है मार्केट में। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। ओके नेक्स्ट, इसमें बात आती है बेटा नेक्स्ट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है, एंड व्हाटएवर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इज आइदर फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। अब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा हमारा वॉलेंटरी, दूसरा होता है इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जॉब मिल रही है, जॉब मिल रही है लेकिन हमें करना नहीं है, मतलब जॉब मिल रही है हमें लेकिन हम जानबूझ के जॉब नहीं कर रहे हैं, इसे बोलते हैं वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड, आप घर पे बैठे हो, है ना। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जॉब करनी है मुझे लेकिन जॉब मिल नहीं रही, है ना, जॉब करनी है लेकिन जॉब मिल नहीं रही। तो अब मुझे बताइए इकोनॉमी के लिए क्या इसमें से ज्यादा घातक हो सकता है, फास्ट मुझे बताएंगे, है ना। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को जॉब करना है लेकिन इकोनॉमी में जॉब अवेलेबल ही नहीं है। तो यही बोल रहा है कि एक्सपांशन स्टेज में ये जो चीज होती है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऑलमोस्ट जीरो होता है, मतलब ऐसा होता ही नहीं कि लोगों को जॉब चाहिए और जॉब ना मिले, ये समझ वाली बात है, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, और अगर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता भी है इकोनॉमी में तो वो या तो फ्रिक्शनल होता है या तो स्ट्रक्चरल होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बेटा हर्ष पहले रिलायंस कंपनी में काम करता था, इसने दो साल रिलायंस कंपनी में काम किया और दो साल के बाद आफ्टर टू इयर्स इसने जो है बेटा जॉब छोड़ दी, है ना, इसने जॉब जो है ये छोड़ दी, जॉब लीव कर दी इसने, है ना, कंपनी लीव कर दी। अब इसे रहना है, ये ढूंढ रहा है जॉब, अब ये सर्च कर रहा है जॉब, तो ऐसा होता क्या, क्या ऐसा होता है कि एक क्या मुझे बताइए जल्दी से, क्या ऐसा होता है कि एक कंपनी में, यस प्लीज बात ध्यान से सुने, कि अगर एक कंपनी में जॉब गई तो दूसरे कंपनी में तुरंत जॉब मिल जाएंगी, क्या ऐसा होता क्या, नहीं। हमें क्या जॉब ढूंढने में समय लगता है, यस और नो बताइए फास्ट जल्दी से, यस गाइस, क्या जॉब ढूंढने में समय लगता है, राइट। तो ये जो सर्च करने का जो समय होता है, मतलब देखो रिलायंस कंपनी में जॉब कर रहा था, अब समझो इसको 6 महीने लग गए और उसके बाद इसे टाटा कंपनी में जॉब मिली। अब ये 6 महीने तक क्या इकोनॉमी की गलती है, क्या गवर्नमेंट की गलती है कि इसको जॉब नहीं मिल रही, अरे भैया वो तो जॉब ढूंढ रहा है उस समय। तो उस समय पे ये जो अनएम्प्लॉयड है इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे हम जॉब ढूंढते रहते हैं पर हमें जॉब तब नहीं मिल रही है, या हम जब जॉब को स्विच करते हैं तो हम जो कुछ पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, इसमें इकोनॉमी की कोई गलती नहीं होती, समझ पा रहा है। एंड फाइनली दूसरा क्या होता है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है कि कंपनीज को चाहिए, जैसे आजकल ये होता है काफी ज्यादा बेटा, आजकल होता है ये, है ना, लोगों को क्या लगता है कि बस हमें डिग्री मिल जाए ना तो बात खत्म, है ना, कंपनीज तो बस हमारे पीछे ही पड़ी है, कभी भी आके जॉब दे देंगी, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा करंट सिनेरियो में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, इसे बोलते हैं स्किल्स का मिसमैच। लोगों को क्या लगता है कि हमने डिग्री ले लिया, है ना, सीए कर लिया, एमबीए कर लिया, तो बस ये कर लिया तो सब हो गया, ऐसा नहीं होता है, आपको साथ साथ अपने स्किल्स भी डेवलप करने जरूरी है। अब आपने सीए की डिग्री तो कर ली लेकिन आपको प्रैक्टिकली इनकम टैक्स के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। अब कंपनी वाला बोल रहा है कि हमें तो ऐसा ऐसा एक सीए चाहिए जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है इनकम टैक्स का,
है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, कैसे ऑडिट करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। पर समझो एक व्यक्ति के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, अब वो भले ही सीए है और उसके बाद अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो क्या होगा बताइए, उसे जॉब नहीं मिलेगी। तो क्या हो रहा है, जो स्किल्स कंपनी को चाहिए वो स्किल्स व्यक्ति के पास है नहीं देने के लिए, इसे बोलते हैं स्किल्स मिसमैच होने की वजह से जॉब नहीं मिल रही, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोगों के अंदर अगर स्किल्स नहीं है, ये इकोनॉमी की गलती है क्या? नहीं, ये इकोनॉमी की गलती थोड़ी ना, ये तो उस व्यक्ति की गलती है। तुमको पढ़ाई करनी चाहिए थी बराबर, तुमको आर्टिकलशिप बराबर करनी चाहिए थी। ये समझ मारी बात है क्या बोल रहा हूँ? यस। तो बोलते हैं देखो, एक्सपांशन पीरियड सबसे बढ़िया पीरियड होता है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, यहाँ पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ भी तो वो फ्रिक्शनल हो सकता है या स्ट्रक्चरल हो सकता है, और नहीं हो सकता, ये इसका बोलने का तात्पर्य है। समझ में आ गया? बस आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। लेकिन मुझे बताइए, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपके जीवन में सब अच्छा अच्छा चल रहा है, खुशियों का समय चल रहा है, तो क्या मुझे बताइए बस ऐसे ही चलते रहेगा क्या लाइफ टाइम? नहीं, एक पॉइंट के बाद आके ये जो ग्रोथ रेट होती है इकोनॉमी की, वो इवेंचुअली स्लो डाउन होना चालू हो जाती है एंड हम नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं बेटा पीक स्टेज, है ना? पीक स्टेज का मतलब क्या है? चलिए एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल? क्या बोलेंगे? पीक। एकदम चिल्टू, क्या बोलेंगे बताइए? फास्ट। पीक एकदम ही चिल्टू बेटा, बताइए फास्ट। यस और नो? हाँ, तो द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, ऐसा आपको आ सकता है, ऐसा आपको एमसीक्यू आ सकता है। क्या बोलेंगे? पीक, है ना? अब क्या होता है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ये प्रोसेस अगर समझ में आ गया ना तो आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। चलिए, तो मैं बोल रहा था आपको, सुनिए बात ध्यान से। यस, अब क्या होता है कि करंटली ना इकोनॉमी बेटा एक्सपांशन स्टेज में थी एंड जो लोग बिजनेस कर रहे थे ना, जो लोग बिजनेस कर रहे थे, सबका सेल बढ़ रहा है, सबकी प्रॉफिट बढ़ रही है, सारी चीज बढ़ रही है। तो ऐसे बिजनेस मैन को देख के जो बाहर जो लोग है ना, ये सोचते हैं यार देखो लोग तो बिजनेस करके कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, चलो हम भी जाके बिजनेस करेंगे। तो नए लोग एंटर करते हैं मार्केट में, नए लोग इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, बोलते हैं हम भी बिजनेस करेंगे, हम भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अब इसके वजह से होता क्या है बेटा कि एकदम से देखो, बिजनेस करने के लिए किसी गुड़िया सर्विस को बनाने के लिए आपको इनपुट्स लगेंगे, इनपुट्स, है ना? जैसे मुझे शर्ट बनाना है, शर्ट को बनाने के लिए क्लॉथ लगेगा, है ना? मुझे चश्मे बनाना है, चश्मे बनाने के लिए ग्लास लगेगा। तो जो इनपुट्स मुझे लगेंगे, इनपुट्स का डिमांड एकदम से बढ़ना चालू हो जाता है, इनपुट्स का डिमांड एकदम से बढ़ना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, सुनिए समझिए ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब लोग क्या चाहते हैं बेटा 1.5 से 2 घंटे का होगा, ठीक है रोहित? सब लोग क्या चाहते हैं अभी बताइए, सब लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा ज्यादा बिजनेस करें, तो उसके लिए इनपुट खरीदना पड़ेगा, और ज्यादा ज्यादा इनपुट खरीदने के लिए इनपुट होना भी तो चाहिए। तो इनपुट की डिमांड जो है धनाधन बढ़ते जा रही है, इनपुट की डिमांड धनाधन बढ़ते जा रही है, लेकिन इनपुट का उतना सप्लाई है ही नहीं। तो मार्केट में क्या होता है, इनपुट्स का डिमांड बेटा वो सप्लाई से एक्सीड करना चालू कर देता है, और जिसके वजह से बेटा इनपुट प्राइसेस जो है अब ये बढ़ना चालू हो जाती है, है ना? मतलब शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ चाहिए, तो क्लॉथ का प्राइस बढ़ गया। अब मुझे बताइए, मुझे एक बात बताओ, सुनो बात ध्यान से, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या करते हैं, हम शर्ट बनाते हैं, ठीक है? हम शर्ट्स बनाते हैं और शर्ट्स बना के बेचते हैं। अब इसके लिए मुझे लगेगा इनपुट में लगेगा क्लॉथ, थ्रेड, है ना? क्लॉथ लगेगा, थ्रेड लगेगा, मुझे बटन्स लगेंगे, ये सारे इनपुट्स लगेंगे, रॉ मटेरियल, करेक्ट? हाँ, राइट। एंड इसको यूज करके मैं मेरा फिनिश गुड बनाता हूँ, जिसे क्या बोलता हूँ, मैं मेरा शर्ट बनाता हूँ, करेक्ट? समझो कि मुझे जो है इनपुट्स का खर्चा पड़ता है 100 रुपए, देन हम क्या करते हैं, ये 100 रुपए पे 20% का प्रॉफिट लगाते हैं और 120 रुपए पे बेचते हैं इस शर्ट को, सिंपल। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज 120 क्या है, ये आउटपुट की प्राइसेस है, और ये क्या है, ये इनपुट की प्राइसेस है, ये समझ में आ रही, दीज आर इनपुट प्राइसेस। अब क्या, हम जब एक्सपांशन के लेटर स्टेज में थे, इनपुट्स का तो डिमांड सप्लाई से एक्सीड होना चालू हो चुका है, जिसके वजह से इनपुट प्राइसेस बढ़ना चालू हो चुकी,
तो अब जो है ये इनपुट प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाती है, ठीक है, कहां, एक्सपांशन के लेटर स्टेजेस में, मतलब कहां, मतलब कि यहां देखो एक्सपांशन के लेटर, मतलब यहां पे एक्सपांशन के लेटर स्टेजेस में क्या होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, समझ मा रहे हैं? अच्छा यस, तो क्या बोल रहा हूं, समझो इनपुट का प्राइस हो जाता है बेटा 130, इनपुट इज 130 का हो गया। अब हम जब इसको बेचने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 130 प्लस 20%, मुझे प्रॉफिट तो 20% चाहिए, तो मुझे बताइए प्राइस क्या हो जाएगा मेरा, बताइए। हाँ 150, दनादन फटके लगाओ बेटा आशीष को, बेटा 20% बोला है, 20 रुपीज नहीं बोला, ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं यार आप लोग, सीए फाउंडेशन, अब आपने अकाउंट्स पढ़ा बेटा, अकाउंट्स में नहीं पढ़ा आपने ये सब चीजें, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो क्या डायरेक्ट प्लस होता है क्या बेटा, क्या जबरदस्त यार तुम लोग, तो क्या होगा 156 आएगा। हाँ तो 156, अब क्या हो गया, इनपुट महंगा होने के वजह से आउटपुट भी तो महंगा हो गया, और ये जो आउटपुट होता है, ये जो फिनिश गुड्स होता है बेटा, ये जो आउटपुट होता है, ये जो फिनिश गुड्स होता है, यही तो जाके बाद में पब्लिक खरीदते हैं इन गुड्स को, तो जो हमारी जनरल पब्लिक होती है उनके लिए चीजें महंगी होना चालू हो जाती है, समझ में आ रहा है? अब लोगों के लिए चीजें महंगी होना चालू हो गई, कहां, एक्सपांशन के लेटर स्टेजेस में। अब यहां पे सोचते कि यार देखो, है ना, अब यहां पे सोचते क्या, सुनो ना बात ध्यान से, अब यहां पे सोचते यार देखो हमारी, अब कुछ लोग होते हैं बेटा जो होते हैं फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, हमारे इकोनॉमी में कुछ लोग होते हैं जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स होते हैं, ये कौन होते हैं, ये होते हैं बेटा सैलरीड वाले, सैलरीड जो सैलरी कमाते हैं उन्हें बोलते हैं फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, समझ पा रही बात है? हाँ, अब ये सैलरीड वाले क्या बोलेंगे, हाँ अब ये सैलरीड वाले बेटा क्या बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे कि देखो देखो हमारी तो हर महीने इनकम, हमारी तो हर महीने इनकम है समझो 30,000 रुपए, ये हमारी हर महीने की फिक्स्ड इनकम थी, और हर महीने वैसे तो हमारा खर्चा, हर महीने वैसे तो हमारा खर्चा जो है 25,000 रुपए का या समझो 20,000 रुपए का हो जाता था, और हमारी 10,000 की बढ़िया सेविंग हो जाती थी हर महीने, लेकिन जब चीजें महंगी हो गई, जब चीजें महंगी हो गई तो अब खर्चा, इनकम तो उतनी की उतनी छे, इनकम तो उतनी की उतनी छे, लेकिन अब खर्चा जो है ये समझ लो हो गया 28,000 रुपए, क्यों, क्योंकि चीजें महंगी हो गई ना इसलिए, और अब सेविंग हो रही सिर्फ 2,000 रुपए की, तो अब जो है इनको डर लगना चालू हो जाता है, ये सोचते हैं अरे भाई साहब तौबा तौबा, ये क्या हो गया, हर महीने जो हम 10,000 रुपए सेव करते थे अब तो सिर्फ 2,000 सेव हो रही है, तो अब ये सोचना चालू करते हैं, दे बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रखेंगे कौन से स्टेज में कंज्यूमर्स बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीक स्टेज में, तो पीक स्टेज में अब ये सोचना चालू करते हैं, अब ये सोचना चालू करते हैं कि यार कहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहां पे मैं खर्चे को कम कर सकता हूं, समझ मारी बात है क्या बोल रहा हूं, कहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहां पे मैं खर्चे को कम कर सकता हूं, झेपरी बात है, तो धीरे धीरे लोग जो है ना यहाँ पे अब रिव्यू करना चालू करते हैं, सोचना चालू करते हैं कहां पे हमारे खर्चों को कम करें, और धीरे धीरे जो है ये डिमांड को कम करना चालू करते हैं, क्योंकि इनको लगता है यार बहुत खर्चा हो रहा है, सेविंग ज्यादा बची नहीं रही, अब कम चीजें खरीदो, है ना, बहुत जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको खरीदना बंद कर दो, तो धीरे धीरे डिमांड कम कम होना चालू हो जाती है, और अब हम पीक स्टेज से अब कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आना चालू हो जाते हैं, समझ मारी बात है? हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन द पीक स्टेज इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एंड एज देयर शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड देयरफॉर इनपुट प्राइसेस इंक्रीजेस, और इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगे तो आउटपुट प्राइसेस भी बढ़ेंगे, इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगे तो आउटपुट प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जिससे क्या होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग बेटा बढ़ जाता है ना, जिंदगी जीने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, मतलब जो हमारे डेली एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं चीजें खरीदने के लिए, चीजें खरीदने में जो आपका पैसा खर्चा होता है वही आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है, एंड देयर इज अ ग्रेटर स्ट्रेन, है ना, ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है किन के ऊपर बताइए, हमारे फिक्स्ड इनकम अर्नर्स के ऊपर, एंड दस कंज्यूमर्स बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन,
एक्सपेंडिचर, बोलते भैया अगर घर वर पे ज्यादा खर्चा हो रहा है मत करो, अभी घर नहीं खरीदेंगे आप तो, अगर कोई नया घर लेने वाला होगा, कोई अगर कार, एसी, टीवी, फ्रिज लेने वाले होंगे घर पे, बोलेंगे अभी ड्यूरेबल गुड्स मत खरीदो, है ना, हम चला सकते और कुछ साल विदाउट इसके। तो ये सारी चीजों की डिमांड गिरना चालू हो जाती है, एंड एक्सपांशन स्टेज में जो डिमांड धनादन बढ़ रही थी, एक्सपांशन स्टेज में जो डिमांड धनादन बढ़ रही थी बेटा, यहाँ पे एक्सपांशन स्टेज में ये अब थम जाती है, रुक जाती है, स्टैगनेट हो जाती है। सो द एक्चुअल डिमांड, सो द एक्चुअल डिमांड स्टैगनेट्स, देखो क्या लिखा है, द एक्चुअल डिमांड स्टैगनेट, स्टैगनेट मतलब क्या, थम जाना, रुक जाना, मतलब डिमांड जो पहले धनादन बढ़ रही थी अब ये बढ़ना रुक जाती है, अब डिमांड बढ़ती नहीं थम जाती है एक पॉइंट पे आके ऐसा। एंड दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन एंड इट अकर्स व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट स्टेबलाइजेस फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन इट मूव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब जब डिमांड थम चुकी है, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, अब डिमांड गिरना चालू हो जाती है चीजों की, ठीक है। तो अब आ जाता है अगला स्टेज हमारा, क्या बताए, कॉन्ट्रैक्शन, जिसका जिसको हम डाउन स्विंग या रिसेशन बोलते हैं। सुनेंगे बात ध्यान से, बोलते हैं कि कभी भी इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। मैंने बोला ना, देखो हमारे जीवन में भी क्या आपको खुशियां एंडलेसली मिलते रहेंगी, क्या नहीं, कभी कभी दुख का समय भी आएगा, वापस से खुशियां मिलेगी, फिर दुख का समय आएगा, वापस से खुशियां मिलेगी। वैसे ही कभी भी इकोनॉमी हमेशा एंडलेसली ग्रो नहीं कर सकती, कभी कभी ग्रो करेगी, फिर थोड़ा सा इकोनॉमी में डाउनफॉल आएगा, फिर ग्रो करेगी, फिर डाउनफॉल आएगा, ये चलते रहता है ना। आगे बोलता है, देखो बात सुनो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज जब आता है ना, अब मुझे एक बात बताइए, क्या जो हमारे बिजनेस पर्सन होंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, क्या उनको मोबाइल में मैसेज आएगा क्या, क्या उनको मोदी जी मोबाइल में मैसेज करेंगे क्या? हाँ, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज इज कमिंग, ऐसा होता क्या बताइए? तो जब कॉन्ट्रैक्शन स्टेज इकोनॉमी में आता है, जब कॉन्ट्रैक्शन स्टेज इकोनॉमी में आता है बेटा, तो जो है प्रोड्यूसर्स को एकदम से नहीं समझ में आता। इसके लिए शब्द लिखा है इंस्टीट्यूट ने कि प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी में लोगों ने क्या करना चालू कर दिया है, धीरे धीरे डिमांड कम करना चालू कर दिया है ना, क्योंकि अब उनके इनकम पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है ना, चीजें महंगी हो गई, इसलिए इन्होंने धीरे धीरे डिमांड कम करना चालू कर दिया है। पर ये प्रोड्यूसर को समझता नहीं, प्रोड्यूसर तो अपने मजे में होता है, प्रोड्यूसर को लगता अरे वाह धनाधन डिमांड बढ़ रही थी, चलो और प्रोडक्शन करते हैं, चलो और सेल होगा, और प्रॉफिट होगा, वो धनाधन धनाधन प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि ऐसा हो रहा है इकोनॉमी में। इसे समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा हूँ? वो अपने ज मजे में है कि पहले जैसा प्रोडक्शन बढ़ रहा था ना, आगे भी बढ़ेगा। लेकिन जो है अब जो कंज्यूमर्स है वो क्या कर रहे हैं, डिमांड को कम करते जा रहे धीरे धीरे। तो प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी एंड दे कंटिन्यू एंटीसिपेटिंग हायर लेवल्स ऑफ डिमांड। वो अभी भी वही सोच रहे प्रोड्यूसर कि डिमांड तो बढ़ेगी, और इसलिए दे मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियली कॉन्ट्रैक्शन लेवल पे, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में प्रोड्यूसर्स को एकदम से समझता नहीं कि डिमांड गिर रही है, फिर धीरे 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 जब ये प्रोडक्शन तो करते जा रहे हैं गुड्स का, लेकिन अब मार्केट में लोग खरीदने ही नहीं आ रहे हैं, तब इनको समझता है ओ माय गॉड यार, ये तो हमने ओवर प्रोडक्शन कर दिया, हमने तो इतना सारा स्टॉक बना के रखा है, कोई खरीदने च नहीं आ रहा है ना। सो धीरे धीरे जो है ना डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच आना चालू हो जाता है, कि सप्लाई तो है, ज्यादा है सप्लाई, लेकिन डिमांड कम पड़ रही है। तो सप्लाई फार एक्सीड्स द डिमांड, है ना। अब धीरे इनिशियली कुछ सेक्टर्स में ऐसा होता है, धीरे धीरे सारे सेक्टर्स में चीज देखना चालू हो जाती है कि चीजों की डिमांड कम है पर सप्लाई ज्यादा है। अब प्रोड्यूसर्स की दिमाग की बत्ती जलती है ना। तो ट्यूबलाइट जैसे होते हैं लोग, है ना, ट्यूबलाइट जैसे ऐसा ब्लिंक करता है ट्यूबलाइट, दो तीन ऐसा, ये ट्यूबलाइट जैसे होते हैं। अब इनको समझता है अरे यार ज्यादा का प्रोडक्शन हो गया, तो है ये तो ज्यादा का प्रोडक्शन हो गया। तो नाउ प्रोड्यूसर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव इंडल्ज्ड इन एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, ओवर प्रोडक्शन हो गया। तो एक काम करो भैया, फ्यूचर में अगर प्रोडक्शन करने वाले थे ना, फ्यूचर में आप जो भी प्रोडक्शन करने वाले थे उसको कैंसिल कर दें। फ्यूचर में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान था, फ्यूचर में कुछ आप और मशीनरी खरीदने वाले थे, अभी रोक दो भैया, मत खरीदो मशीनरी, है ना। फ्यूचर में आपने अगर कोई ऑर्डर दे के रखा है इक्विपमेंट का, मशीनरी का, तो कैंसिल कर दो ऑर्डर, है। अगर आप और लेबरर्स को रखने वाले थे जॉब पे, तो अभी मत रखो, एग्जिस्टिंग लेबर को भी निकालना चालू कर दो, अपने को जरूरत ही नहीं इतना प्रोडक्शन की,
ये समझ में आ रहा है? अब जो चीजें ये आउटपुट मार्केट में हो रही है वही चीजें इनपुट मार्केट में भी होती है, है ना? मुझे बताओ, समझो, मुझे शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ खरीदना है, क्लॉथ, तो क्लॉथ बेचने वाला भी कोई व्यक्ति होगा ना, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्लॉथ बेच रहा है। अब जो शर्ट बना रहा था, जो शर्ट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर था, उसने क्लॉथ वाले को बोला मुझे क्लॉथ नहीं होना। अब क्लॉथ वाला सोच रहा है यार मेरा भी डिमांड कम हो गया है, तो मतलब इनपुट का भी डिमांड कम हो गया, इनपुट मार्केट में भी यही प्रॉब्लम। अब ये सोचेगा क्लॉथ वाला, अरे यार मैं क्लॉथ जिस मशीनरी से बनाता था, जान दो मशीनरी मैं फ्यूचर में नहीं खरीदूंगा और एक्स्ट्रा, फ्यूचर में प्रोडक्शन और कम कर देता हूँ। तो पूरे इकोनॉमी में धीरे 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 प्रोडक्शन का लेवल अब धीरे धीरे क्या बताइए थम जाता है, कम कम होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से अब लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास जो एडिशनल लेबरर्स पड़े हैं इनको भी जॉब से निकालो, इनकी क्या जरूरत है अभी, हमको प्रोडक्शन करना ही नहीं है। ये समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? तो क्या होता है, प्रोडक्शन गिरता है, एम्प्लॉयमेंट गिरता है, लोगों की इनकम गिरती है, इनकम गिरती है तो चीजों की डिमांड गिरती है, एंड कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स दोनों की डिमांड गिरती है ना, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं। समझ में आ गई बात है? हाँ, अच्छा, अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सोचते हैं यार ये जो एक्स्ट्रा की इन्वेंट्री पड़ी है इसका क्या करूं, ये एक्स्ट्रा की इन्वेंट्री पड़ी है इसका क्या करूं, तो बोलते चलो इसको भी बेच डालते हैं, है ना, इसको बेच डालते हैं कम प्राइसेस पे, तो हैवी डिस्काउंट्स देते हैं ये लोग, है ना, अपने इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स पे माल बेचते हैं, है ना। लेकिन कंज्यूमर भी शाणे होते हैं, कंज्यूमर भी बहुत चतरे होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा ऐसा तुम प्राइस कम करोगे क्या, तो कंज्यूमर बोलते रुको रुको अभी नहीं खरीदेंगे, तुम और प्राइस कम करो फिर खरीदेंगे। तो कंज्यूमर इन देयर टर्न एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन प्राइस, बोले प्राइसेस गिर रही ना अभी रुको और गिरेंगी, अभी मत खरीदो और गिरने दो प्राइस बाद में खरीदेंगे, तो दे पोस्टपोन देयर परचेसेस, और ये सारी चीजें चालू हो जाती है। धीरे धीरे बिजनेस फर्म्स जो बेटा वो पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, फ्यूचर के लिए नेगेटिव हो जाते हैं कि यार फ्यूचर में तो डिमांड गिर रही और गिरने वाली डिमांड, यार फ्यूचर में और प्रोडक्शन कम होगा और प्रॉफिट कम होगा, जान दो यार अपन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट एकदम कम कर देते हैं। अब लोग अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को जो है बेटा उनको अगर मशीनरी इक्विपमेंट खरीदना ही नहीं है तो बैंक से लोन लेके क्या करें, अगर उनको मशीनरी इक्विपमेंट खरीदना ही नहीं है तो बैंक से लोन लेके, बताइए फास्ट, तो बैंक से लोन लेके करेंगे क्या, तो बैंक से लोन लेना कम हो जाता है, तो बैंक क्रेडिट श्रिंक्स, मतलब बैंक क्रेडिट कम होता जाता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज एट इट्स लोएस्ट, स्टॉक प्राइसेस गिरना चालू हो जाती है क्योंकि कंपनीज को लॉसेस हो रहा है, तो सब बोलते हैं शेयर बेचो शेयर बेचो शेयर बेचो, तो मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनका सप्लाई डिमांड से एक्सीड होना चालू हो जाता है, कोई खरीदना नहीं चाहता लेकिन सब बेचना चाहते हैं, तो इसके वजह से प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है स्टॉक प्राइस पे। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ? अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ता है, मतलब क्या, लोगों का बेरोजगारी बढ़ती है, जॉब्स नहीं लोगों के पास, इनकम गिरता है, और धीरे धीरे जो है जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है बेटा, तो अब हम आ जाते हैं डिप्रेशन वाले फेज में। समझ में आ रहे, डिप्रेशन वाले फेज में। चलिए अब बात आती है एक जल्दी से, कि हम तो डिप्रेशन फेज में जा रहे हैं, ट्रफ में जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कि कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन में फर्क क्या होता है ना। तो अगर मैं बोलूं डिक्लाइन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन, कि जब हमारे इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ आउटपुट कम हो रहा ऐसा नहीं, आउटपुट भी कम हो रहा है, डिमांड भी कम हो रहा है ना, अपने जॉब्स भी कम हो रहे हैं इकोनॉमी में, लोगों की इनकम भी कम हो रही है। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डाउनफॉल आ रहा है, ओवरऑल लेवल पर डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एग्रीगेट शब्द यूज किया जाता है। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, पर अगर ऐसा आपको पूछे डिक्लाइन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिक्लाइन एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, फिर इसको हम बेटा रिसेशन बोलते हैं, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने पहले ऐसा सवाल पूछा था आपके स्टडी मटेरियल में, तब इंस्टीट्यूट ने पहले इसका आंसर वो रिसेशन देता था,
अभी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में वो पूछता है डिक्लाइन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कॉन्ट्रैक्शन बोलता है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, मुझे बताइए, इंस्टीट्यूट खुद ही चीज का आंसर बदल दिया। अब लॉजिकली देखा जाए तो अगर ये शब्द आए हैं क्वेश्चन में तो फिर उसका आंसर रिसेशन ही होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लॉजिक फॉलो करना है तो आप ये चीज ही फॉलो करें। समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई और बता सकता है मुझे और डिटेल में? क्या मुझे कोई और डिटेल में बता सकता है कि एग्जैक्टली कितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए तो रिसेशन बोलते हैं? फास्ट है ना? यस, 6 मंथ्स था क्या? बताइए फास्ट, जल्दी से। सिक्स मंथ्स बोला था मैंने, क्या बोला था? नहीं, एग्जैक्ट शब्द मुझे बताइए, मैंने एग्जैक्ट शब्द क्या बोला था? एग्जैक्ट शब्द क्या बोला था? यस, तो हमने बोला था बेटा, जब हमारे इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन का जो स्टेज होता है ये लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए चलता है, मतलब 6 महीने तक, 2 क्वार्टर मतलब क्या, 6 मंथ्स तक अगर कंटिन्यू बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तो फिर हम बोलते हैं कि अब इकोनॉमी रिसेशन में आ चुकी है। समझ क्या बोल रहा हूं? बात समझ में आ रही है? अगर कॉन्ट्रैक्शन जो है बेटा, ये क्या बताइए, लगातार 2 क्वार्टर के लिए होता है, लगातार 2 क्वार्टर के लिए होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, बताइए बताइए फास्ट जल्दी से, है तो क्या बोलते हैं? रिसेशन बोलता है। क्या बात समझ में आ गया? ये एकदम टेक्निकल इसका डेफिनेशन है रिसेशन का। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट बात है सर, तो फिर ट्रफ एंड डिप्रेशन में क्या होता है, चलिए देखेंगे। तो अब जो है हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? हमने एक्सपांशन डिस्कस कर लिया है, पीक डिस्कस कर लिया, कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस कर लिया, अब हम लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं जो है बेटा ट्रफ, ठीक है। बस जल्दी से सुनेंगे प्लीज। यस बेटा, हम 3 बजे के पहले ही, 2:45 तक, मैक्स 2:45, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, उसके पहले ही खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अपन ट्रफ या डिप्रेशन की। चलिए, सो ट्रफ का मतलब क्या, प्लीज देखेंगे। बोलते हैं डिप्रेशन इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एमसीक्यू आ सकता है। डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन का सीवियर फॉर्म रिसेशन, रिसेशन का सीवियर फॉर्म डिप्रेशन, समझा? कॉन्ट्रैक्शन का सीवियर फॉर्म रिसेशन, रिसेशन का सीवियर फॉर्म डिप्रेशन, झेपा क्या बात है? जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही लंबे समय तक होता है रिसेशन, रिसेशन बहुत लंबे समय तक हो रहा है, सीवियर फॉर्म हो रहा है तो डिप्रेशन, ठीक है, समझा ऐसा? चलिए ओके सर, तो इस पर आ सकता है एमसीक्यू, डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। ओके नेक्स्ट बोलते हैं कि डिप्रेशन या ट्रफ स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ रेट अब नेगेटिव होना चालू हो जाती है। समझो बात बेटा, क्या हो रहा था कि एक्सपांशन स्टेज में क्या हो रहा था, हमारी जो जीडीपी है ना वो पहले 2% से बढ़ी, फिर अगले साल 3% से बढ़ी, कुछ समय बाद या 4% से बढ़ी, ऐसा। फिर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, अब जीडीपी गिरना चालू हो जाती है ना, अब जीडीपी गिरना चालू हो जाती है ना, तो यहाँ पे जीडीपी गिरना चालू हो जाती है। ट्रफ में क्या होता है, अब तो नेगेटिव ग्रोथ रेट होता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब अब तो नेगेटिव, पहले के मतलब जो इनिशियल लेवल था उससे भी बहुत ज्यादा कम होना चालू हो जाती है, नेगेटिव ग्रोथ रेट आ जाता है। कहाँ पे बताइए, हमारे ट्रफ स्टेज में। एंड द नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली, यहाँ पे जो है डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स डिक्रीजेस, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, पैसा नहीं है तो चीजें खरीदे कहाँ से, लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है तो चीजें खरीदे कहाँ से, तो क्या होता है जो चीजों की डिमांड होती है वो धनाधन गिरना चालू हो जाती है ना। एंड प्राइसेस जो है, प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि लोग खरीदे प्रोडक्ट्स उनसे, तो प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें बेचते हैं, तो प्राइसेस आर एट देयर लोएस्ट, है ना, बट फिर भी डिमांड उतना नहीं होता। इसमें ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती हैं जो बंद हो जाती है, बहुत सारे लोग बिजनेस को बंद करके निकल जाते हैं, बोलते हैं यार कुछ पैसा हम कमा ही नहीं पा रहे, है ना, बोलते हैं कंपनीज आर अनएबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स, लोगों को जॉब से निकाला जाता है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो जाती है, लोगों के पास बहुत कम पैसा बचता है। अब प्लीज मेरी बात सुनिए बेटा, आज मैं 4 जून को 1:53 पे, 4 जून को 1:53 में ये वापस से आपको बता रहा हूं, मैंने समय के साथ आपको बताया है, मैंने समय के साथ आपको बताया है ना,
आपको एमसीक्यू आ सकता है, अ टिपिकल फीचर ऑफ डैश इज अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, अ टिपिकल फीचर ऑफ डैश इज अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, एमसीक्यू आएगा। तो बोलेंगे टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज क्या बताइए, अ टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स। तो डिप्रेशन स्टेज में बेटा इंटरेस्ट रेट्स भी अब गिरना चालू हो जाते हैं, क्योंकि बैंक से कोई लोन नहीं ले रहा था, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में बैंक से कोई नहीं ले रहा था, बैंक्स वाले भी चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा लोग हमसे लोन ले, तो बैंक वाले बोलते ओके हम हमारा इंटरेस्ट रेट कम से कम कर देते हैं, अब तो ले लो लोन, अब तो ले लो लोन। लेकिन अब क्या होता है, समझिए बात को, है ना, देखो ये बैंक है, ठीक है, बैंक, बैंक क्या करता है, ये लोगों से पैसा लेता है डिपॉजिट पे, है ना, समझो 100 रुपए डिपॉजिट्स लिए, राइट। अब क्या इसे इनको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ता है, समझो इस पे इंटरेस्ट देना है इनको 4% का, करेक्ट। फिर यही वाला पैसा बैंक क्या करेगा, लोगों को बांटेगा, बाकी लोगों को बांटेगा लोन पे। अब इस पे बैंक का कि मैंने को दिया ना लोन पे पैसा, तो तुम अब मुझे इस पे इंटरेस्ट दो, ये समझ में आ रही बात है। तो बैंक को इन पैसों पे 4% का इंटरेस्ट देना है, तो ये लोन पे जब बांटेगा पैसा तो इससे ज्यादा चार्ज करेगा ना, तभी तो बैंक वाला पैसा कमाएगा। तो बैंक वाला बोलेगा मुझे 9% इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो 5% जो बच जाता है ना बेटा, इसे ही बोलते हैं इंटरेस्ट का स्प्रेड, या इसे ही बोलते हैं जो बैंक की मेजर इनकम होते हैं इंटरेस्ट इनकम, है ना, जो 5% यहाँ पे कमाया। तो 100 रुपए लेके आया बैंक, जिसपे 4 रुपए ही देने हैं, लेकिन ये 100 रुपए जब लोन पे बांटे तो बैंक को 9 रुपए मिले, तो 9 रुपए मिलेंगे, 4 रुपए जाएंगे, तो बीच का जो 5 रुपए बच गए वही बैंक की मेजर इनकम होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि कॉरेक्शन स्टेज में कोई भी लोन ले नहीं रहा था, तो बैंक ने बोला ठीक है यार, तो हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, अब तो आ जाओ, हम इंटरेस्ट रेट को 6% कर देते हैं, अब तो ले लो लोन। अब जब बैंक इसको कम करेगा तो इसको भी कम करना पड़ेगा, बैंक इसको कम करेगा तो इसको भी कम करना पड़ेगा ना, तो बैंक बोलेगा अब मैं डिपॉजिट पे सिर्फ 2% ही रेट दूंगा। तो अब ये लोग सोचेंगे अरे भैया बैंक में पैसा रखना कोई मतलब ही नहीं बचा है, बैंक वाला से 2% इंटरेस्ट दे रहा, इससे क्या है, पैसा निकालो बैंक से बाहर। तो लोग क्या करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं बेटा, जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं ना, क्या होता है, लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, बोलते जान दो हम कैश फॉर्म लेंगे, हम जो है ना लिक्विड फॉर्म रखेंगे खुद के पास, ज्यादा कोई बात नहीं, कोई बात बेटा, लैग आते हैं ना तो रुकना, 1-2 मिनट मैं आ जाऊंगा वापस, जब भी लैग आता है ना 1-2 मिनट रुकना, मैं आपका आ जाऊंगा वापस, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, ठीक है, टेंशन मत लिया करो। चलो कोई बात नहीं, होता है बेटा, क्या करें आजकल यार, अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत इशू आ गया यार, हर जगह पे है ना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू आ गया है, बहुत ज्यादा लाइट जा रही है आजकल, पता नहीं क्यों क्या आया, पता नहीं, चलिए ध्यान दीजिए इधर, यस। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको एमसीक्यू आ सकता है, टिपिकल फीचर ऑफ डैश इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, क्या बोलोगे, डिप्रेशन, ठीक है। बोलते हैं यहाँ पे बैंक्स ने कम कर दिया इंटरेस्ट रेट, फिर भी कोई लोन नहीं लेता बैंक से, क्यों, क्योंकि यार इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिजनेस में, बोलते हैं बिजनेस में पैसा डालेंगे पैसा तो डूब जाएगा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो धीरे धीरे बेटा बैंकिंग क्राइसिस होने की संभावना होती है ट्रफ में, बैंकिंग क्राइसिस, इसका मतलब क्या था, सोचिए यहाँ पे इस व्यक्ति ने 100 रुपए दिए बैंक को, बैंक ने इसमें से कुछ पैसा खुद के पास रिजर्व रखा, समझो 70 रुपए बांट दिए बेटा किसको, लोन पे बांट दिए, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ना, इसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया था, करेक्ट, इसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया था, राइट। अब जो है सुनिए ना बात ध्यान से,
अब जो है प्लीज सुनो ना, अब जो है बेटा क्या होता है यहाँ पे जो है इस व्यक्ति का बिजनेस ही नहीं चल रहा क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं आ रहे। तो अब अगर ये पैसा कमाएंगा नहीं तो इसको रीपेमेंट करेगा कैसे बैंक को? अब बैंक जा रहा है इसके पास बार बार, अरे पैसा दे दो पैसा दे दो, इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया, ईएमआई नहीं भरा, पैसा दे दो यार हमको वापस। ये बोल रहा है अरे मैं पैसा देना चाहता हूं लेकिन बिजनेस ही नहीं चल रहा, कहां से पैसा लेके आऊं, पैसा तो मैं बिजनेस में लगा दिया। समझ पा रहा है? और अब ये लोगों को लगता है कि यार बैंक में पैसा रखना बराबर नहीं, चलो बैंक से पैसा निकालते हैं। अब ये जाके बैंक को बोल रहे बैंक बैंक मुझे पैसा दो ना, मैंने जो पैसा दिया था। बैंक वाला बोल रहा है यार वो तो मैंने लोन पे बांट दिया, तुमको पैसा कहां से दूं मैं वापस, बताओ। इसे बोलते हैं बैंकिंग क्राइसिस। तो ये हो सकता है कहां, इसमें ट्रफ स्टेज में बैंकिंग क्राइसिस आ सकता है कि बैंक्स के पास, यहां पे डिपॉजिटर बोल रहे हैं पैसा दो, बैंक के पास पैसा ही नहीं वापस देने के लिए क्योंकि यहां पे जिन्होंने लोन लेके रखा है ये पैसा वापस नहीं दे पा रहे। इसे बैंकिंग क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, चले वापस आते हैं। इंडस्ट्रीज सच एज कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्रीज सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी, है ना। तो बोलते हैं कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स ये बिकना कम हो जाते हैं, इसमें एक्सेस कैपेसिटी चालू हो जाती है। समझो इन लोगों ने, समझो एक कार की कंपनी है, इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी कि 1 साल में 1000 यूनिट बनाएंगे कार के, समझो। ठीक है, अब कार जब बिकेंगी नहीं तो ये बोलेंगे चलो हमारी भले ही कैपेसिटी 1000 यूनिट बनाने की है, हम इस साल सिर्फ 200 यूनिट ही कार बनाएंगे, मतलब कि 800 यूनिट की कैपेसिटी यूज ही नहीं की। इसे बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी आ जाती है, इसे बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, 800 यूनिट की कैपेसिटी यूज ही नहीं। अच्छा एक मिनट को मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ आवाज में कुछ इशू आ रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर। चलिए अब ठीक है, आवाज अब मैच हो रहा है, आवाज हो रही है। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट है ना। देन बहुत सारी कंपनीज होती है बेटा जो बंद हो जाती है, बैंकक्रप्ट लिक्विडेट हो जाती है, एंड जो है सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है दे टच द बॉटम इन द ट्रफ स्टेज या डिप्रेशन स्टेज। ठीक है, बट अगर आपके इकोनॉमी में कभी कॉन्ट्रैक्शन एंड देन ट्रफ आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये चलता रहेगा? अरे नहीं भैया, कभी ना कभी आपके जीवन में है ना, आपके इकोनॉमी में रिकवरी जरूर आएगी, है ना। कभी कभी आपके जीवन में रिकवरी जरूर आएंगी। वापस से क्या होगा मुझे बताइए, वापस से क्या होगा? अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तो वापस से रिकवरी होके एक्सपांशन स्टेज जरूर आएगा, है ना। तो वापस से क्या बताइए, हाँ सो दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, ये गाना है ना। तो क्या होता है, कभी ना कभी क्या होता है बताइए, कभी ना कभी जो है दुख भरे दिन आपके बीतेंगे ही और वापस से सुख के दिन आते हैं एंड जो है रिकवरी होती है इकोनॉमी में। अब ये रिकवरी होती कैसे है वो सुनेंगे जल्दी से, प्लीज गाइस जल्दी से सुनेंगे। हाँ, तो अब अच्छे दिन वापस कब आते हैं, तो एक्सपांशन के बाद पीक आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया, अब ट्रफ आ गया। अब ट्रफ के बाद जो है, अरे यार आवाज नहीं आ रही बराबर, बोल रहे फिर से प्रॉब्लम होंगे। अरे यार सब ठीक है, बोल रहे सर एससी पे आ रही बराबर, यूट्यूब पे कुछ इशू आ रहा है बोल रहे शायद। अच्छा ठीक है, चलने दो, चलो फिर ठीक है, चलो हाँ तो सुनेंगे। तो अब रिकवरी कैसे होती है प्लीज सुनेंगे जल्दी से। सबसे पहले रिकवरी बेटा स्टार्ट होती है लेबर मार्केट में, है ना। सबसे पहले रिकवरी बेटा स्टार्ट होती है कहाँ बताइए, लेबर मार्केट में रिकवरी स्टार्ट होती है ना। लेबर मार्केट में बेटा क्या होता है, लेबर मार्केट में यहाँ पे जो लेबरर्स जो है, मतलब जो लेबरर्स या एम्प्लॉयज जो थे, जो जिनके पास अभी जॉब्स नहीं थे, इतने समय से जॉब नहीं थे, जब कॉन्ट्रैक्शन पीरियड चल रहा था, डिप्रेशन चल रहा था, तब किसी के पास जॉब नहीं था। अब ये लोग बहुत विचलित हो जाते हैं घर पे, है ना, बहुत टेंशन आना चालू रहता है सबको कि यार इतने महीने हो गए कोई जॉब ही नहीं है, है ना। समझो अगर ये लोग पहले जब जहाँ पे काम करते थे वहां पे ये महीने का 10,000 रुपए चार्ज करते थे, समझो ऐसा कि पहले लोग जहाँ पे काम करते थे वहां पे 10,000 per month चार्ज करते थे, है ना। पर अब कहीं पे जॉब ही नहीं मिल रही और बहुत महीने हो गए, सेविंग्स खत्म हो गई, सारे लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई, अब क्या करें। अब ये लोग बोलेंगे, ये जाएंगे कुछ, देखो
ऐसा नहीं होता कि सारे ही बिजनेस बंद हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। आप सोचो ना बेटा, सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे क्या? सारे नहीं होते, कुछ कुछ बंद होते हैं, ठीक है, जो अच्छे से नहीं चल पाए वो बंद होते हैं कॉन्ट्रैक्शन डिप्रेशन में। सारे ही बंद नहीं होते, मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो अभी भी चालू होते हैं। तो अब ये लेबरर्स वापस से जाते हैं, वापस से एम्प्लॉयज जाते हैं कंपनीज के पास, बोलते हैं यार देखो जो भी जॉब होगा दे दो यार, हमको कुछ तो पैसा कमाए। तो कंपनी वाले बोलते हैं अच्छा तुम पहले 10,000 लेते थे ना, क्या तुम 4,000 रुपये में काम करने को तैयार हो गए? अब मुझे बताओ, पहले तो जॉब मिल नहीं रही इतने महीनों से, अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो जॉब मिल नहीं रही इतने दिनों से, कुछ तो मिलेगा भैया है, कुछ तो मिलेगा। तो अब क्या होता है ना, जो लेबरर्स है ना बेटा, वो लेस वेजेस में काम करना चालू कर देते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये लेस वेजेस में काम करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले रिकवरी जो है कहाँ दिखने को मिलती है, हमारे लेबर मार्केट में। देखो, द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट। परवेजिव अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, हर हर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से वर्कर्स आर नाउ फोर्स्ड टू एक्सेप्ट वेजेस लोअर देन द प्रिवेलिंग रेट्स। तो अब लेबरर्स लोअर वेजेस पे काम करना चालू कर देते हैं, राइट? अच्छा, यहाँ पे जो है द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट। अब जो जो प्रोड्यूसर्स है वो सोचेंगे, देखो लेबरर्स हमको कम कॉस्ट में मिल रहे हैं। अच्छा, याद रहा आपको, इनपुट की भी अब धीरे धीरे चीजें गिरना चालू, प्राइस गिरना चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इनपुट जब खरीदने जाएंगे ही नहीं, तो जो इनपुट बेचने वाले होंगे वो भी बोलेंगे कि मैं प्राइस कम कर देता है ना। तो वेजेस कम होना चालू हो जाएंगे, इनपुट्स जो है ये सस्ते में मिलना चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार कोई खरीद ही नहीं रहा था ना पहले, तो इनपुट बेचने वाले लोग बोलेंगे यार ले लो, ले जाओ यार, कम प्राइस में लेके जाओ। तो हमारे जो फर्म वाले जो है ना, प्रोड्यूसर्स, ये एंटिसिपेट करेंगे, ये अनुमान लगाएंगे कि फ्यूचर में जो है ना कॉस्ट हमारा अब कम हो जाएगा प्रोडक्शन का। एक काम करते हैं, कॉस्ट कम होगा ना, कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज्यादा प्राइस चार्ज करके ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो वापस से इनमें कॉन्फिडेंस आता है कि चलो कॉस्ट अगर कम होगा तो हम चलो जैसे तैसे करके प्रोडक्ट को सस्ते दाम में भी बेच के प्रॉफिट कमा पाएंगे, है ना। तो क्या होता है, द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट एंड बेटर बिजनेस एनवायरमेंट। A time comes when business confidence takes off and consequently they start to invest again. वापस से invest करना चालू कर देते हैं। अब investment करना है तो पैसा लगेगा, तो bank से loan लेना चालू कर देते हैं लोग, है ना। सोचते हैं यार चलो अब हम कोई नया technology निकालते हैं, ऐसी technology निकालते हैं, ऐसी machinery बनाते हैं जिसमें कम खर्चे में और जबरदस्त production हो सके। तो technological advancement बहुत ज्यादा होते हैं और fresh investment होते हैं new type of machineries के अंदर। धीरे धीरे हमें मशीनरी चलाने के लिए लोग लगेंगे, हम और लोगों को हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में, लोगों को जॉब मिलेगी जिससे इनकम बढ़ेगी उनकी। इनकम बढ़ेगी तो अब क्या करेंगे, वो अब चीजें खरीद पाएंगे। तो धीरे धीरे डिमांड जो गिरी हुई थी वो भी अब बढ़ना चालू हो जाएंगी। डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस फर्म के गुड्स सर्विसेज बिकना चालू हो जाएंगे, बोलेंगे अरे वाह गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं, चलो और प्रोडक्शन करते हैं। और धीरे धीरे जो है इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ता है, राइट। सो द स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्परिंग मतलब क्या, जो एकदम से इंक्रीज आया है इन्वेस्टमेंट करने में, इसके वजह से जो है ना इकोनॉमी में रिकवरी आती है। जब बिजनेस फर्म्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल गुड्स वगैरह और खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तब जाके इकोनॉमी में रिकवरी और अच्छे से आती है ना। एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्सपांशन। तो डिप्रेशन के बाद रिकवरी होती है, जिसके वजह से एक्सपांशन स्टेज वापस से आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको एमसीक्यू आ सकता है क्या, इस पॉइंट पे एमसीक्यू आ सकता है कि डैश मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। देखो पेसिमिज्म क्या था, हम फ्यूचर के लिए नेगेटिव सोच रहे थे, तो हम कॉन्ट्रैक्शन एंड डिप्रेशन स्टेज में, हम कॉन्ट्रैक्शन एंड डिप्रेशन स्टेज में बेटा क्या हो गए थे, पेसिमिस्ट हो चुके थे फ्यूचर के लिए, नेगेटिव सोच रहे थे फ्यूचर के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम पेसिमिस्टिक हो चुके थे। और बेटा एक्सपांशन स्टेज में क्या होता है, हम फ्यूचर के लिए यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि फ्यूचर में तो क्या बताइए, है ना। या रादर मैं यहाँ पे सिर्फ डिप्रेशन लिखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद डिप्रेशन आता है ना। तो डिप्रेशन में हम बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं फ्यूचर के लिए, एंड एक्सपांशन में ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो आपने डिप्रेशन का एंड एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो स्टार्ट है, ये कहां से, मतलब कौन कौन से स्टेज में होता है, ये रिकवरी में होता है,
तो रिकवरी मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। समझ मारा क्या बोल रहा हूं मैं? सो क्या बताइए, ट्रफ जनरली लास्ट फॉर सम टाइम एंड देन इट मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। मतलब ट्रफ के जस्ट बाद है ना, डिप्रेशन को ही हम ट्रफ बोलते हैं, तो ट्रफ के जस्ट बाद जो है हमारा पेसिमिज्म खत्म होता है एंड एक्सपांशन में ऑप्टिमिज्म स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। समझ में आ रहा है? यस, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब बात आती है बेटा नेक्स्ट, हमारे सारे स्टेजेस हो चुके हैं, बस अब हम आधे घंटे में सेशन को खत्म कर देंगे। यही इसका मेजर होता है पार्ट इस चैप्टर का, कि ये स्टेजेस कैसे आते हैं, इसमें क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये ऑलरेडी डिस्कस हमारा हो चुका है। आई होप आपको मजा आया होगा ये सारी चीजें देख के, राइट। अब हम बात करेंगे, यस, अब हम बात करेंगे किसकी बताइए, अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। अब मुझे बताइए कि जब करंटली अभी एक्सपांशन स्टेज वगैरह चल रहा था, ठीक है, और अब कॉन्ट्रैक्शन कभी ना कभी तो आएगा ही, तो क्या लोगों को मैसेज आएगा क्या मोबाइल में, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज इज कमिंग या एक्सपांशन स्टेज इज कमिंग, ऐसा होता क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि फ्यूचर में कौन सा स्टेज आने वाला है, कैसे पता चलेगा, या पास्ट में कौन सा स्टेज चल रहा था, ये भी तो समझना चाहिए हमें। समझो बेटा, इकोनॉमी तो चलते जा रही है, अब मुझे ये समझना है कि पास्ट में कौन सा स्टेज चल रहा था, तो जिससे मुझे पता चले कि प्रेजेंट में क्या चीजें आ सकती हैं। तो ये सारे अनुमान लगाने के लिए, ये सारा फोरकास्टिंग करने के लिए हमें कुछ संकेतों की मदद लेनी पड़ती है। किसकी? संकेतों की। और उन संकेतों को बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो बोलते हैं हम कुछ इंडिकेटर्स की मदद लेते हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सा स्टेज आ सकता है या पास्ट में कौन सा स्टेज चल रहा था, यह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, कहां पे? इंडिकेटर्स। तो बोलते हैं इट इज जनरली वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। एमसीक्यू आता है बेटा, व्हाट आर द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल, मुझे बताइए टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं बिजनेस साइकिल के। यस, कम ऑन, तो ये होता है पीक एंड ट्रफ। सर, पीक एक टर्निंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि एक्सपांशन से कॉन्ट्रैक्शन में हम पीक के थ्रू जाते हैं। एंड हमारा ट्रफ क्यों है टर्निंग पॉइंट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपांशन की तरफ हम किसके थ्रू जाते हैं? ट्रफ के थ्रू जाते हैं, इसीलिए, है ना, इसलिए इन दोनों को टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। ओके, चलो। सो बात आते हैं इंडिकेटर्स। बोलते हैं देखो एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू आता है, इकोनॉमिस्ट use changes in a variety of activities to measure the business cycle and predict where the economy is headed towards. ये है general definition indicator का, कि economists क्या करते हैं, अलग अलग activities में जो changes आए हैं, उन changes को analyze करके वो predict कर सकते हैं कि future में कौन सा stage आ। यस प्लीज, हाँ प्लीज, वापस है। बोलता है इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि हमारे इकोनॉमी में जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है उनको मेजर करके, उनको एनालाइज करके क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि पास्ट में क्या चीजें हुई होंगी, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये प्रिडिक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। किसके थ्रू? ये इंडिकेटर्स के थ्रू। तो ये जनरल डेफिनेशन है, प्लीज इसमें आप याद रखेंगे। इसमें बच्चा जब प्रिडिक्ट शब्द सुनता है ना, तो वो रीडिंग इंडिकेटर को टिक मार देता है, जो कि गलत है। ये जनरल डेफिनेशन है इंडिकेटर का, तो इसमें इंडिकेटर को टिक मारना है। प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं, याद रखेंगे, यही लाइन पे एमसीक्यू आता है। ऑप्शन होता है इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग या कोइंसिडेंटल। क्या बोलोगे? ये इंडिकेटर की जनरल डेफिनेशन है। 2:13 में ये मैं चीज बता रहा हूं आपको। आज है बेटा 4 जून, कोई बात नहीं, हो रहा है बेटा, क्या कर सकते हैं। चलिए यस, तो इंडिकेटर समझाने के लिए बेटा मैं ना आपको जनरली सोनू सोनू की कहानी बताता हूँ। किसकी? सोनू सोनी की। अब ये क्या कहानी है ये आप YouTube पे बाद में सर्च कर सकते हैं, इंडिकेटर्स फनी स्टोरी, ऐसा डालना। मेरा ही वीडियो आपको सबसे पहले दिखेगा, 7-8 मिनट का वीडियो है, अब जरूर जाके वो देखें, ठीक है? हाँ, तो अब ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे। सो अब जो है यहाँ पे
बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, सीधी बात बताएं, सुनिए, लीडिंग इंडिकेटर मुझे अभी से पता चल गया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसे बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर, है ना। जैसे ऐसे कुछ बच्चे होते बेटा जो डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, क्लासेस में जब भी एमसीक्यू क्विज होता है उनका नाम हमेशा टॉप 10 में आता है, तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, ये एक संकेत है कि इनका एग्जाम में जरूर अच्छे मार्क्स ही आने वाले हैं। ये समझ मारी बात है, मुझे अभी ऐसा संकेत मिल गया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसे लीडिंग इंडिकेटर लिख लो हिंदी में। लीडिंग इंडिकेटर मतलब क्या था, मुझे संकेत जिससे मुझे फ्यूचर में क्या होने वाला है, लीडिंग इंडिकेटर। अच्छा, को इंसिडेंटल इंडिकेटर का मतलब क्या है, को इंसिडेंटल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि करंटली कौन सा स्टेज चल रहा है, ये मुझे पता चलता है को इंसिडेंटल इंडिकेटर के वजह से। तो ये इकोनॉमी में जो स्टेज चल रहा है बिजनेस साइकिल का, उसके संग संग जो हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं उसे बोलते हैं को इंसिडेंटल इंडिकेटर। तो को इंसिडेंटल इंडिकेटर मुझे बताता है कि अभी इस समय कौन सा स्टेज इकोनॉमी में, ये पता चलता है, है ना। इसे कॉन्करेंट भी लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, कुछ चीजें हो चुकी है उसके बाद मुझे पता चलता है अच्छा पास हुआ होगा। तो लैगिंग इंडिकेटर में इकोनॉमी में जो स्टेज हो चुका है उसके बारे में मुझे पता चलता है, उसके बारे में मुझे पता चलता है कहाँ, बताइए, बाद में पता चलता है, ये होता है लैगिंग। तो लीडिंग में क्या था, अभी पता चला फ्यूचर में क्या होगा। को इंसिडेंटल में क्या होता है कि अभी पता चल रहा है मुझे कि अभी क्या हो रहा है, अभी कौन सा स्टेज चल रहा है। लैगिंग में क्या हुआ, मुझे अभी पता चला कि पास्ट में कौन सा स्टेज चल रहा था, समझा, लैगिंग। अच्छा चलिए, सो यहाँ पे ध्यान देंगे लीडिंग इंडिकेटर का क्या है, द लीडिंग इंडिकेटर ऐसे संकेत होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं विच चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड। इकोनॉमी में एक्सपांशन आने के पहले मुझे संकेत मिल गया कि एक्सपांशन आने वाला है, लीडिंग इंडिकेटर, समझ पा रहे हैं। सो दे चेंज प्रायर टू लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स, समझ पा रही बात है, यस और नो गाइस, फास्ट आगे नेक्स्ट। इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे कि वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर फॉर कंज्यूमर गुड्स या वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपके इकोनॉमी में जो है, हाँ, आपके इकोनॉमी में जो है बेटा अपना ये मशीनरीज कैपिटल गुड्स ज्यादा बिक रहे हैं, मशीनरीज कैपिटल गुड्स ज्यादा बिक रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फ्यूचर में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आज मशीनरीज लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो फ्यूचर में एक्सपांशन आएगा, समझा। लोग बिल्डिंग परमिट्स ले रहे हैं, है ना, बिल्डिंग परमिट ले रहे हैं प्राइवेट हाउसेस बनाने के, अपने घर बनाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ले रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट से हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाना पड़ता है हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाके। तो जितना ज्यादा बिल्डिंग परमिट्स बिकेंगे या गवर्नमेंट इशू करेगा, तो हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में लोग इतने ज्यादा घर बनाएंगे, मतलब लोगों की इनकम फ्यूचर में बढ़ने वाली होंगी, तब जाके तो ये धनाधन खर्चा कर रहे हैं ऐसा। तो क्या है ये बताइए, लीडिंग इंडिकेटर। नेक्स्ट बात आते हैं लैगिंग इंडिकेटर, इकोनॉमी में कुछ हो चुका है उसके बारे में बात मुझे बाद में पता चलता है, ये लैगिंग है ना, ये क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर, है ना। ये कब होता है, जब कुछ बच्चों का बेटा रिजल्ट आ जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं हो पाते, है ना, अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं हो पाते, तब उनको लैगिंग इंडिकेटर मिलता है। सर ने बोला था कि रिविजन क्लास देख लेना, सर ने बोला था कि बैकलॉग मत रखना, जब लाइव आते हैं तभी देख लेना चाहिए था क्लास, सर ने बोला था कि एमसीक्यू क्लास जब मैं ले रहा हूं तो करो तब के तब लाइव, तो तब सुनी नहीं बात। लैगिंग इंडिकेटर अब आपको मिला क्या, कि हम पास्ट में जो हमने हरकतें जो की ना उसके वजह से आज ये रिजल्ट आया है, तो ये हो गया लैगिंग इंडिकेटर। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ। चलिए आगे, तो लैगिंग क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। इकोनॉमी में पहले क्या हुआ था उसके बारे में मुझे अभी पता चलता है लैगिंग में, राइट। सो दे आर ऑब्जर्वेबल आफ्टर एन इकोनॉमिक ट्रेंड, तो इकोनॉमी में कोई ट्रेंड आ रहा है वो होने के बाद मुझे पता चलता है, एक्सपांशन होने के बाद पता चलता है ओ पहले एक्सपांशन चल रहा था, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद पता चल रहा है ओ पहले कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था। समझ मारी बात है, यस। अब लीडिंग इंडिकेटर जो है ना बेटा, ये बताते हैं ऑनसेट, लीडिंग इंडिकेटर बताते हैं कि क्या आने वाला है फ्यूचर में, तो ये ऑनसेट, ये स्टार्टिंग बताते हैं किसी स्टेज का।
तो लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल्स द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल एंड लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म्स दीज ट्रेंड्स. लैगिंग कंफर्म करता है हाँ पास्ट में एक्सपांशन ही चल रहा था ऐसा. ठीक है चलिए आगे. तो इसमें लैगिंग का क्या एग्जांपल है, अनएम्प्लॉयमेंट. तो इकोनॉमी में जब कॉन्ट्रैक्शन स्टेज हो जाएगा उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो तब हमें पता चलेगा अच्छा पास्ट में मतलब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था इसलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. हम प्रॉफिट्स कब निकालते हैं, सब चीजें होने के बाद एंड में निकलता है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट की वैल्यू देख के हमें पता चलेगा अच्छा पास्ट में एक्सपेंशन था कि कॉन्ट्रैक्शन था. ये समझ पा रही बात है? यस. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह क्या है, क्या है बताइए. ये भी प्राइसेस से रिलेटेड होता है, आपके इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है. तो ये इंडेक्स में चेंज कब आता है, जब पास्ट में आपके बहुत ज्यादा एक्सपेंशन स्टेज चल रहा था तो उससे लेटर स्टेज ऑफ एक्सपेंशन में इंडेक्स की प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है जिससे इन्फ्लेशन आ सकता है. ठीक है, लेकिन इस पे जनरली एमसीक्यू नहीं आता है. ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स जो है इसमें भी चेंजेस कब आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज होने के बाद पता चलता है कि अब लोग लोन नहीं ले रहे हैं, तब जाके बैंक्स क्या करता है इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले. तो ये भी लैगिंग में आता है. नेक्स्ट कोइंसिडेंटल, इसे मैं कॉन्करेंट इंडिकेटर्स भी बोलता हूं. दे कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट. ये संग संग चलता है, संग संग चलता है, समझ पा रहे हैं? हाँ, संग संग मतलब क्या हो ना, वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, वही वाला. तो वो वाला संग बोल रहा हूँ, मतलब साथ साथ चलता है. इकोनॉमी में जो चल रहा है उसके संग संग चलता है. ठीक है, हाँ. तो ध्यान देंगे, दे डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल, ये एमसीक्यू आ सकता है. डैश इज द इंडिकेटर विच डिस्क्राइब्स द करंट स्टेट ऑफ, क्या बताइए, बिजनेस साइकिल, उसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, है ना. चलिए, सो यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे जीडीपी, जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो जीडीपी साथ साथ में गिरता है, तो कॉन्ट्रैक्शन. हाँ ठीक है, आगे आगे देखें. नेक्स्ट प्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज जब चल रहा है तभी तो वैल्यू गिरेगी बेटा, किसकी बताइए, हमारे प्रोडक्शन की वैल्यू गिरेगी. इन्फ्लेशन, एक्सपेंशन स्टेजेस के साथ साथ ही प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाती है, तो इन्फ्लेशन अगर आता है तो कोइंसिडेंटल में आप डाल देना. पर्सनल इनकम, लोगों की इनकम जो है एक्सपांशन स्टेज चलेगा तभी संग संग इनकम बढ़ेगी, समझ पा रहे हैं. सेल्स, है ना, सेल्स हो गया, देन स्टॉक मार्केट प्राइसेस हो गए, ये सब क्या है, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स है, संग संग चलते हैं आपके इकोनॉमी के ट्रेंड्स के साथ. ठीक है, नेक्स्ट. फिर आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल. यस, जल्दी देखेंगे प्लीज, बस दो तीन टॉपिक्स बचे, फीचर बचा है आपका, देन आपका आ जाता है कॉजेस, एंड देन आ जाता है आपका लास्ट पॉइंट जो है, मतलब जो कंक्लूजन वाला पॉइंट है बस. ठीक है, तो टेंशन मत लो, हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा. चलिए बात करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, यहां से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं. ठीक है, अच्छा, और एक चीज, ये जो हमारा चैप्टर 5 है ना बेटा, इसका वेटेज 9 से 12 मार्क का वेटेज है. सोचिए 9 से 12 मार्क, मतलब इतने चिंटू सवाल आते हैं, और 9 से 12 तो 12 मार्क ऐसे जा सकते हैं आप, तो बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से आपको मार्क्स आ सकते हैं. चलिए ध्यान दीजिए आगे. नेक्स्ट, सो बात आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, प्लीज ध्यान देंगे. सबसे पहला फीचर क्या है, दे अकर पीरियोडिकली बट डू नॉट एग्जिबिट सेम रेगुलरिटी. बोलते देखो ये पीरियोडिकली चलते रहता है, मतलब एक्सपांशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर एक्सपांशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपांशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, ये चलते रहेगा. बट इसमें सेम रेगुलरिटी नहीं होती. पहले 3 महीने के लिए एक्सपांशन आया तो क्या वापस से 3 महीने के लिए एक्सपांशन आएगा क्या, नहीं. तो इसका ड्यूरेशन हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है. तो द ड्यूरेशन में वेरी, इसका इंटेंसिटी भी वेरी कर सकता है. पिछली बार एक्सपांशन में 5% से जीडीपी बढ़ी, तो अगली बार एक्सपांशन में भी 5% से बढ़ेंगी क्या जीडीपी, नहीं, इसका इंटेंसिटी भी वेरी कर सकता है हर बार. नेक्स्ट बोलते हैं बिजनेस साइकिल में ये डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, है ना. आगे नेक्स्ट, दीज फेजेस सेल्डम डिस्प्ले स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी. सेल्डम मतलब क्या, कभी कभार. तो कभी कभार ही ऐसा होता है बेटा कि एकदम ही रेगुलरिटी इसमें हो, मतलब क्या, हर 2-2 महीने में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ऐसा कभी कभी होता है, मतलब जनरली होता ही नहीं ऐसा, इसमें रेगुलरिटी नहीं होती है वैसे, है ना. आगे, द लेंथ ऑफ ईच फेज इज ऑल्सो नॉट डेफिनेट. हम पहले से नहीं बता सकते कि एक्सपांशन 6 महीने के लिए आता है तो 6 महीने के लिए ही चाहेगा हमेशा, इसका लेंथ हमेशा सेम ही रहता, वेरी कर सकता है. नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल्स जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी. 2:23 पे 4 जून को मैं ये आपको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे. बिजनेस साइकिल जो बेटा ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में ही आ सकता है, मतलब सोशलिस्टिक इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल नहीं आ सकता.
समझ में आ रहा है? यस, क्यों ऐसा बताइए? क्योंकि जो हमारे फ्री मार्केट इकोनॉमी होते हैं, जैसे मार्केट इकोनॉमी, जैसे हमारा मिक्स इकोनॉमी, यहाँ पे देखो क्या है ना बेटा, सारी चीजें डिमांड सप्लाई से रिलेटेड है। तो जब हम चीजों की प्राइसेस डिमांड सप्लाई के हिसाब से निकालते हैं, तब जाके ही तो ये हमारा ऑटोमेटिकली बिजनेस साइकिल्स आएंगे। जब हम यहाँ पे डिमांड सप्लाई की बातें करते हैं, जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि उसके वजह से हमारा प्राइसेस बढ़ेंगे, शेयर के गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ये डिमांड सप्लाई के वजह से ही हमारे बिजनेस साइकिल्स आते हैं। डिमांड सप्लाई के मिसमैच के वजह से ही क्या आता है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन आता है, राइट? समझ वाली बात है? तो ये जहां पे डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होते हैं, वहीं पे बिजनेस साइकिल दिखेगा, राइट? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं दिखेगा। अब बच्चा बोलेगा, सर चाइना में तो दिखा था, चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया था। चाइना एक प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, कोई भी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में प्योरली कैपिटलिस्टिक या प्योरली सोशलिस्ट होती ही नहीं। हमारे जो इकोनॉमीज है, जैसे हम बोलते हैं चाइना सोशलिस्ट है, क्यों? क्योंकि बेटा चाइना में ज्यादातर फीचर सोशलिस्ट वाले देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कैपिटलिस्टिक है, ये प्योरली कैपिटलिस्टिक नहीं है, उसमें ज्यादातर फीचर्स कैपिटलिस्टिक के देखने को मिलते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। जनरली हर एक इकोनॉमी मिक्स्ड ही होती है, बट कुछ इकोनॉमीज में गवर्नमेंट का पावर ज्यादा होता है, तो उसे सोशलिस्ट वाली थोड़ी हो जाती है। कुछ इकोनॉमीज में गवर्नमेंट उतना कंट्रोल नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर को दिया है ज्यादा पावर, तो वो कैपिटलिस्टिक में आ जाती है, ऐसा हो जाता है, ठीक है? चलो आगे, नेक्स्ट बोलते हैं कि दे आर परवेसिव इन नेचर, मतलब क्या? बिजनेस साइकिल बहुत ही आसानी से स्प्रेड होते हैं, एंड डिस्टर्बेंसेस इन वन सेक्टर इज इजीली ट्रांसमिटेड इन अदर सेक्टर्स। अगर समझ लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर कॉन्ट्रैक्शन आया, तो धीरे धीरे वो बाकी इंडस्ट्री में भी स्प्रेड होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का डिमांड ज्यादा अफेक्ट होता है बिजनेस साइकिल की वजह से, है ना? क्योंकि देखो, जब लोगों की इनकम गिरेगी तो हम खाना खाना बंद नहीं करते हैं, लेकिन कार खरीदना, एसी खरीदना, ये सारी चीजें खरीदना कम कर देते हैं, है ना? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है मशीनरीज खरीदना बंद करेंगे, लेकिन खाना खाना बंद नहीं करेंगे। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स उतना अफेक्ट नहीं होता इंडस्ट्री, लेकिन बिजनेस साइकिल से कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री ज्यादा अफेक्ट होती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के कंपैरिजन में दोनों को कंपेयर करें, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा अफेक्ट देख ज्यादा असर दिखता है किसका, बताइए? अपना हमारे बिजनेस साइकिल्स का। नेक्स्ट बात आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बच्चे भूल जाते हैं, वो है बिजनेस साइकिल्स आर कॉम्प्लेक्स, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके बुक में एक एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना? एंड उसमें लिखा होता है कि बिजनेस साइकिल हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे बताइए, क्या इसमें यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, बताइए फास्ट? नहीं। यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? हर बार जो रीजन के वजह से एक्सपांशन आया था, उसी रीजन से अगली बार आएगा क्या? नहीं। पिछली बार एक्सपांशन में 5% से जीडीपी बढ़ा, तो इस बार भी वैसे ही छूंगा क्या? नहीं। तो बिजनेस साइकिल में यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, हमेशा कॉजेस नहीं होते, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉजेस, याद रखेंगे, ठीक है? आगे, दे आर कॉज्ड बाय वेरिंग फैक्टर्स, अलग अलग रीजन की वजह से आ सकते हैं, हम इसके रीजन अभी देखने वाले इसके बाद। नेक्स्ट, रेपरकशन ऑफ बिजनेस साइकिल आर फेल्ट ऑन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मतलब ऐसा नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ आउटपुट गिरेगा, आउटपुट गिरेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, कंजम्पशन भी कम होगा, इंटरेस्ट कम होंगे, ट्रेड लेवल कम होगा एंड प्राइस लेवल्स भी अफेक्ट होंगे, है ना? तो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर अफेक्ट देखने को मिलता है। ये कंटेजियस नेचर के होते हैं एंड इंटरनेशनल भी होते हैं, जैसे कि आजकल आप देखते हैं इंडिया और यूएसए में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इंडिया चाइना में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इंडिया रशिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अब अगर रशिया में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है एकदम से, तो हम जो गुड्स रशिया में एक्सपोर्ट करते होंगे उसका भी तो डिमांड कम हो जाएगा, मतलब हमारे गुड्स का डिमांड कम हो रहा ना इंडिया का, तो रशिया में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो उसका असर हमें भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ऐसा? और ये कंटेजियस नेचर के होते हैं, मतलब अगर एक कंट्री में कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उसका असर बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, ठीक है? एंड बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, तो काफी ज्यादा ये सोसाइटी के लोगों को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देन आता है बेटा कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, दरअसल से देखेंगे एकदम
सबसे पहले तो इस लिस्ट पे एमसीक्यू आता है, सबसे पहले इस लिस्ट के ऊपर एमसीक्यू आता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान देंगे, सबसे पहले बेटा इस लिस्ट के ऊपर एमसीक्यू आता है, ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज। कौन से फैक्टर इंटरनल फैक्टर है एंड कौन से फैक्टर एक्सटर्नल है, इस पे एमसीक्यू आता है। आपको बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर, बोलेगा ऑप्शन ए बी सी और इसको दे देगा डी। कौन सा इंटरनल नहीं है, तो बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल शॉक इंटरनल नहीं है। समझ मारे क्या बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज आते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना जरूरी है। तो कुछ होते हैं बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल आते कैसे हैं, बोलते हैं कुछ इंटरनल या एंडोजिनस फैक्टर्स होते हैं या कुछ एक्सटर्नल या एक्सोजिनस फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो देखिए इंटरनल कॉजेस में क्या आता है, जैसे फ्लक्चुएशंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड, तो ये चीज बेटा बोली थी किसने, कीन्स ने बोला था। ये चीज किसने बोला था, कीन्स ने बोला था कि इफेक्ट अपना एग्रीगेट डिमांड के चेंजेस के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं। अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता है चीजों का तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ेंगी और डिमांड बढ़ेगी, एक्सपांशन आएगा, ऐसा कीन्स ने बोला। अगर डिमांड गिरेगा तो चीजों की डिमांड गिरेगी, लोग प्रोडक्शन कम करेंगे, लोगों को जॉब से निकालेंगे, इनकम गिरेंगे, डिमांड गिरेंगे, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो कीन्स ने बोला कि एग्रीगेट डिमांड के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं, है ना, कीन्स ने बोला। तो एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से व्यक्ति, कौन से इकोनॉमिस्ट ने बोला कि एग्रीगेट डिमांड के वजह से क्या बिजनेस साइकिल आते हैं, कीन्स ने बोला। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, आपकी बुक में लिखा है कि सम इन्वेस्टमेंट, कुछ लोगों ने, सम इकोनॉमिस्ट, एज पर सम इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टमेंट के चेंजेस के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं। मतलब क्या कि अगर आपकी इकोनॉमी में हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये अपने बिजनेस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बनेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपांशन आएगा एंड वाइस वर्सा। तो आपको एक बार मॉक टेस्ट पेपर में इंस्टीट्यूट ने पूछा था कि एज पर डैश फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट इज द मेजर कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब आपके बुक में तो सम इकोनॉमिस्ट लिखा हुआ है लेकिन इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी आंसर देता है कीन्स। तो याद रखेंगे अगर क्वेश्चन ने बोला कि एग्रीगेट डिमांड के चेंजेस के वजह से बिजनेस साइकिल आता है, ये किसने बोला, तो बोलेंगे कीन्स ने बोला। अगर क्वेश्चन बोलता है इकोनॉमिस्ट, अगर क्वेश्चन बोलता है कि इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के वजह से बिजनेस साइकिल आता है, तो किसने बोला, तो भी कीन्स ही बोलेंगे। समझ मारे, तो दोनों केस में आपको कीन्स को ही टिक मारना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बोलता है वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बोलते हैं अगर गवर्नमेंट जो है ज्यादा गुड्स एंड सर्विस खरीदेगा, ज्यादा खर्चा करेगा इकोनॉमी में तो एक्सपांशन आएगा, वो कम खर्चा करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है इसलिए मैं अलग से लेके आया हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में बेटा दो प्रकार की पॉलिसी होती है, एक होती है एक्सपांशनरी और दूसरी होती है एंटी इन्फ्लेशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, है ना। तो चलिए सुनिए बात ध्यान से, मैं एक आपके लिए वो बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए एक होता है बेटा आपका एक्सपांशनरी पॉलिसी, एक्सपांशनरी पॉलिसी, एंड एक होता है आपका एंटी इन्फ्लेशनरी या इसे मैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी भी बोल सकता हूं, या इसे मैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी भी बोल सकता हूं, है ना। तो इसके अंदर भी आ सकते हैं बेटा फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, एंड इसके अंदर भी आ सकते हैं बेटा फिस्कल एंड क्या बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी। सर इसका मतलब क्या है सुनिए ध्यान से, हमारी इकोनॉमी में बेटा जब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, हमारे इकोनॉमी में जब कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन चल रहा है, तो इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्शन से रिसेशन से बाहर निकालने के लिए हम एक्सपांशनरी पॉलिसी यूज करते हैं। मतलब इकोनॉमी में जब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तो कॉन्ट्री रही है चीजों की, तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगा, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट टैक्सेस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है,
तो यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है ज्यादा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे टैक्सेस को कम करेगा ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे। गवर्नमेंट जो है ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा इकोनॉमी में, ताकि जो है वापस से इकोनॉमी जो है क्या एक्सपांशन स्टेज में आ सके। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कर सकता है एक्सपांशन लाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स है ना, मतलब आरबीआई एक्चुअली करता है, इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा आरबीआई तो लोग ज्यादा लोन लेंगे बैंक से, तो जिससे क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन स्टेज से बाहर निकल सकता है इकोनॉमी। समझा क्या बोल रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज से बाहर निकालने के लिए एक्सपांशनरी पॉलिसी यूज की जाती है। ये झेप रहेगी नहीं तुमको बातें है। आगे और क्या कर सकता है, आपने सुना ओपन मार्केट ऑपरेशंस, के पास पैसा ही नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा वो परचेज करेगा या बायबैक करेगा सिक्योरिटीज, है ना, बायबैक करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लोगों को बोलेगा कि पैसा रखो, मेरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी ना वापस दे दो, तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा जिससे वो और चीजें खरीदेंगे। समझा, अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, एक्सपांशन के लेटेस्ट चीज में इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन चल रहा है, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन क्यों आता है, जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है आप बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं चीजों को, तो जब डिमांड सप्लाई से एक्सीड होना चालू हो जाता है बेटा तब इन्फ्लेशन आता है, इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो जब इकोनॉमी में हमारा डिमांड, जब देखो इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा जब बहुत ज्यादा आ जाता है, मनी सप्लाई जब इकोनॉमी में बढ़ता है ना, तो लोग क्या करते हैं चीजों की डिमांड दनादन बढ़ाना चालू कर देते हैं, इतनी बढ़ा देते हैं कि वो सप्लाई से एक्सीड होना चालू हो जाती है, जिसके वजह से चीजों के प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आता है, इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो एक्सेस डिमांड के वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस पे एमसीक्यू आता है ना, कि जब डिमांड एक्सेस डिमांड के वजह से जब प्राइसेस बढ़ती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। याद रखेंगे इस पे एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है सर, आगे तो टैक्सेस बढ़ा देंगे तो लोगों के हाथ में इनकम कम बचेगी, तो जो एक्सेस डिमांड कर रहे थे वो कम हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कम कर देगा लोगों के ऊपर, चीजें खरीदना कम कर देगा है ना, लोगों को ऐसे फ्री में पैसा बांटना, फ्री में जो है फूड वगैरह देना, जैसे एसेंशियल सर्विसेज एसेंशियल आइटम्स गवर्नमेंट दे सकता है लोगों को, इस ये भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है, तो गवर्नमेंट ये सारे खर्चे कम कर देगा, तो लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा था वो अब उसे यूज करके चीजें खरीद लेंगे, फिर आगे डिमांड नहीं बढ़ा पाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में हम एंटी इन्फ्लेशनरी कैसे कर सकते हैं, तो अभी जैसे आरबीआई ने किया, क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ चुका था जिसके वजह से चीजें महंगी हो रही थी, तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के वजह से अब हम बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे एक्सेस लोन, तो एग्जिस्टिंग जब हमारा पैसा खर्चा हो जाएगा, जब एग्जिस्टिंग पैसा हमारा खर्चा हो जाएगा फिर तो पैसा बचेगा नहीं, क्योंकि हम बैंक से लोन लेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। समझा क्या बोल रहा हूँ, तो इससे जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। समझ पा रहे, गवर्नमेंट क्या करेगा यहाँ पे, सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिससे क्या होगा कि लोग है सिक्योरिटीज खरीदने के लिए पैसा देंगे, तो उनके हाथ से पैसा कम होगा, अब वो पैसा दे के जो सिक्योरिटी मिली, अब सिक्योरिटी से तो कुछ खरीद नहीं सकते ना आप, है ना, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स डिबेंचर्स खरीद के उसका तो कुछ कर नहीं पाऊंगे अलग से, तो पैसा गया, अब वो पैसा कहीं और खर्चा नहीं कर पाऊंगे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। तो ये सीए इंटर लेवल पे भी आपको आने वाला है, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ये सीए इंटर लेवल पे भी आएगा, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यस नो, यस नो बोलो ना जल्दी से, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बात आती है, वापस आते हैं, ये भी हो गया नेक्स्ट मनी सप्लाई। तो क्या बताइए, हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री मॉनेटरी, हाँ तो हॉट ट्री मॉनेटरी प्लीज ध्यान देंगे, क्या बोल रहे हैं अयान बसे, नोट्स में डिमांड पुल का सेपरेट नोट नहीं है, बिल्कुल है बेटा डिमांड, हाँ यही तो प्रॉब्लम है ना, एक बार अयान अपनी आंखें खोल के देखना, अपनी आंखें खोल के देखे मेरे नोट्स में, मैंने वहां पे और एक्स्ट्रा टाइप के इन्फ्लेशन बताए हैं लास्ट पेज में, तो
तो एक बार आंखें खोल के बुक्स देखो यार, आप आंखें बंद करके देख रहे, इससे प्रॉब्लम है ना? आप हमने नोट्स में तो और भी अलग टाइप के इन्फ्लेशन बताए हैं, मैं रिवीजन में सिर्फ ये एक ही टाइप लाया हूँ क्योंकि इस पे ही एमसीक्यू आया है इसीलिए, ठीक है? हाँ चलिए, तो नोट में है आपके, प्लीज चेक कीजिए। चलिए वापस आते हैं, तो क्या बताइए? हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री मॉनेटरी, तो क्या बताइए? हॉट ट्री जो है ये इकोनॉमिस्ट थे, हॉट ट्री जो है ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला था बताइए? हाँ, इन्होंने जो है इन्होंने बोला कि मॉनेटरी मनी सप्लाई के वजह से बिजनेस साइकिल्स आते हैं, है ना? मनी सप्लाई के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं, मतलब क्या बताइए कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो चीज लोग चीजें ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगा, एक्सपांशन आएगा। मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड गिरेगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, खत्म। तो एमसीक्यू आता है कि बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी फिनोमिनन, किसने बोला? हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री मॉनेटरी। नेक्स्ट फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो इसमें आ जाते हैं बेटा ये तीन, है ना? सबसे पहला है कंप्यूटर, कंप्यूटर ने बोला कि बिजनेस साइकिल एक इनोवेशन थ्योरी है, मतलब क्या, जितना ज्यादा इकोनॉमी में इनोवेशन होगा उतना ज्यादा जो है ना प्रोडक्शन होगा, है ना, उतना ज्यादा हम अच्छी मशीनरीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनरीज को यूज करके प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, कॉस्ट कम होगा, एंड जिससे इकोनॉमी में एक्सपांशन आ सकता है। तो क्या बताइए? बिजनेस साइकिल्स आर अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन, यस, कंप्यूटर ने बोला था। कैसे याद रखेंगे? कंप्यूटर, ओहो कितना इनोवेटिव नाम है ना? तो कंप्यूटर कितना इनोवेटिव नाम है, तो इनोवेशन थ्योरी किसने दी? कंप्यूटर ने। नेक्स्ट नेक्स्ट निकोलस कल्टोर ने बेटा बोला था कॉब वेब थ्योरी, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि कॉब वेब थ्योरी किसने दी थी? निकोलस कल्टोर ने। ये प्लस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, अच्छे से याद करना, प्लस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अभी हम ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, सुनेंगे। कॉब वेब थ्योरी के वजह से क्या आता है, बिजनेस साइकिल आता है, निकोलस कल्टोर ने बोला। इन्होंने बोला कि प्रेजेंट प्राइसेस इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एट फ्यूचर डेट, जिसके वजह से बिजनेस साइकिल्स आते हैं, बस इतना याद रखेंगे, कॉब वेब थ्योरी, निकोलस कल्टोर। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल्स आर मॉनेटरी फेनोमेनन, किसने बोला? हॉट ट्री ने बोला। फिर आता है पिगाऊ, पिगाऊ, पिगाऊ ने क्या बोला? पिगाऊ ने बोला कि हमारे जो बिजनेस साइकिल्स है ना, ये लोगों के एंटीसिपेशंस के वजह से आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि फ्यूचर में सब अच्छा अच्छा होगा, तो इसके वजह से इकोनॉमी में एक्सपांशन आता है। कुछ लोग होते हैं जो बेटा फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि यार प्रोडक्शन गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा, सेल गिरेगा, तो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं वो, उनके वजह से कॉन्ट्रैक्शन आता है इकोनॉमी में। तो लोगों के एंटीसिपेशंस के बेसिस पे क्या आता है बिजनेस साइकिल, किसने बोला? पिगाऊ ने बोला। एंड एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड एंड फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट किसने बोला? कीन्स ने। तो इसे याद रखेंगे, ये हमारे इकोनॉमिस्ट नेम एंड समरी का एक छोटा सा पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। ओके सर, हाँ बेटा यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कुछ स्पैमर्स अभी आ चुके हैं, तो आप उसको प्लीज इग्नोर करें। ये अभी जो है ना बेटा, क्या होता है ना कि जब कोई भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ना, तो बाकी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इससे और स्पैमिंग चालू हो जाती है। सिर्फ हमारी वीडियो में नहीं, ऐसे बहुत सारे अनअकैडमी के वीडियोस में ऐसे स्पैमिंग हो रही है, तो ऐसे लोग इग्नोर करेंगे बिल्कुल, टेंशन लेंगे नहीं, ठीक है? ऐसे ही होता है बेटा, आप जब आगे कोई बढ़ता है ना आगे, तो बाकियों को अच्छा नहीं लगता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे बता दिया आपको क्या इंटरनल कॉजेस या एंडोजिनस फैक्टर्स है ना, इंटरनल कॉजेस या बताइए एंडोजिनस फैक्टर्स क्या है, ये सारे है ना। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में वही आता है वो एंटीसिपेशन वगैरह वाला, ठीक है? याद रखेंगे, प्लीज याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल कॉजेस क्या होता है? हमने कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल रीजन के वजह से बिजनेस साइकिल आया, जैसे वॉर, जैसे रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, इसके वजह से दोनों ही कंट्री का क्या होगा, जीडीपी गिर जाएगा अभी, तो वॉर के वजह से हुआ ना ये सारी चीजें, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, समझो जब वॉर खत्म हो जाएगा, देन बाद में यूक्रेन रशिया क्या करेगा, अपने अपने कंट्री में खर्चा करेगा वापस से, है ना, ताकि इकोनॉमी वापस से रिवाइव हो सके। तो वॉर के बाद जब रिकंस्ट्रक्शन होता है, तब इकोनॉमी वापस से कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपांशन की तरफ जा सकती है। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, तो जब इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक्सपांशन आएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अगर नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन भी आ सकता है। नेक्स्ट, नेचुरल फैक्टर्स, जैसे कि बेटा वेदर वगैरह, अगर फ्लड आ गया किसी किसी स्टेट में, किसी सिटी में फ्लड आ गया, तो क्या होगा बताइए? तो वहां पे का सिचुएशन आ जाएगा, क्योंकि सब तहस नहस हो जाएगा, इसलिए।
तो नेचुरल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस साइकिल को। एंड देन आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में जो पॉइंट याद रखना है उसका भी मैं लेके आ गया हूँ। देखिए, अगर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी जिस रेट से ग्रो हो रही है उससे ज्यादा रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इकोनॉमी में, तो क्या होगा? जब इतने ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं पर इकोनॉमी इतने रेट से ग्रो नहीं हो पा रही, तो क्या होगा? लोगों को खर्चा करना पड़ेगा अपने, क्या बताइए, अपने बेटों बेटी पे। तो इससे क्या होगा कि इनकम का खर्चा ज्यादा होगा, सेविंग कम होगी। सेविंग कम होगी तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आता है ना। तो इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सो हमारे सारी चीजें हो चुकी हैं, लास्ट पेज बस बचा है। इस पे क्या एमसीक्यू आता है, प्लीज सुनेंगे। इस पे एमसीक्यू आता है बेटा साइक्लिकल बिजनेसेस के ऊपर, है ना। इस पे एमसीक्यू आता है बेटा साइक्लिकल बिजनेसेस के ऊपर, प्लीज ध्यान देंगे। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट बताने के पहले, मैं एक बार को क्विकली बता दूं क्या कि हम बीसी के चैप्टर 6th of June से 1 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। ये होने वाला है बेटा यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब, ठीक है, अनअकैडमी सी फाउंडेशन चैनल, ठीक है। तो ये होने वाला है यूट्यूब पे बीसी के चैप्टर 6, अराउंड 3 से 4 दिन लग सकते हैं इसको, है ना, अराउंड 3 से 4 दिन इसको लग सकते हैं। तो आप जरूर इसको देखें, हम 10 जून के पहले ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही मुझे कब से, है ना, जन्म हो चुके बेटा इसके रिक्वेस्ट के लिए, तो ठीक है, लेके आ जाएंगे। और यहाँ पे जो ये जो लिंक है बेटा, ये आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, यहाँ पे पिन भी की है, ये लेक्चर ट्रैकर है, यहाँ पे आपको मेरे सारे क्लासेस की लिंक्स मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं राजा, लास्ट पॉइंट, लास्ट पेज आ जाइए, डन, आखिरी देखेंगे जल्दी से गाइस, कम ऑन। रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इसमें एक ही एमसीक्यू आता है बेटा, जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद रीड कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट कि साइक्लिकल बिजनेसेस क्या होता है। बोलते कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं whose fortune are linked to the rate of economic growth, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं साइक्लिकल बिजनेसेस, जैसे कि फैशन रिटेलर्स, समझो। जब इकोनॉमी में बेटा एक्सपांशन चलेगा ना, जब लोगों की इनकम बढ़ेंगी, तब जाके ही वो ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, तब जाके ही वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे कि ईयरफोन्स, हेडफोन्स, है ना, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स, है ना, जब लोगों की इनकम बढ़ेंगी तभी तो वो ये चीजें ज्यादा खरीदेंगे, तभी तो वो अपने घर बनाएंगे या घर खरीदेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने के लिए, एडवर्टाइजिंग करेंगे अपने अपने, अगर बिजनेस होगा तो खुद का एडवर्टाइजिंग करेंगे प्रोडक्ट्स वगैरह का, है ना। फिर क्या बताए, ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स, है ना, तो जो इंडिया के बाहर घूमने जाते हैं, तो आपने भी देखा होगा, है ना, इंडिया के बाहर घूमने जाते लोग, तो क्या होता है बताइए तो जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो बाहर घूमने भी जाते हैं वो लोग। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, ये साइक्लिकल बिजनेसेस हैं। मतलब क्या कि अगर इकोनॉमी में एक्सपांशन चलेगा ना, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो ये सारे इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ बहुत ज्यादा इनकी बढ़ती है, इनका सेल बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, लोगों की इनकम कम है, तो यही जो बिजनेसेस हैं यही वाले नहीं चलते हैं फिर ज्यादा। अभी याद करो, कोरोना के बाद जब लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद जब लॉकडाउन अब खुल गया, अभी भी लोग, बहुत ज्यादा लोग मॉल्स वगैरह में नहीं जाते हैं पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी फिलहाल अभी भी कॉन्ट्रैक्शन का ही स्टेज चल रहा है हमारी इकोनॉमी में, लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है, तो इतना ज्यादा खर्चा पहले जितना नहीं करते हैं लोग ये सारी चीजों में, ये सुनो बताइए। हाँ, तो इसे बोलते हैं साइक्लिकल बिजनेस। तो क्या होता है, द बिजनेसेस हुज फॉर्चून इज क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिकल बिजनेस, याद रखेंगे, एमसीक्यू आ सकता है। तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा इस चैप्टर के, मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोगों से एक क्या चाहिए बताइए, आप सबकी हेल्प चाहिए, क्या कि आप अपने सारे जूनियर्स को बताइए एकाग्रता नवंबर 2.0 बैच के बारे में। 16th जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी प्लस पे, ये हमारे एजुकेटर्स रहने वाले हैं, मैं इसमें पूरा इको बीसी के आपको पढ़ाऊंगा इस हमारे बैच में। तो और ये है बेटा क्या बताइए, हमारे इस बैच के जो फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको बोले कि एमवी सर कोड यूज करें सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। एंड
जो हमारे नवंबर 22 के क्लासेस है बेटा फाउंडेशन के यूट्यूब पे, वो मैं 6 जून से ही रिज्यूम कर रहा हूँ 7 बजे, ठीक है। तो ये भी रिज्यूम हो जाएंगे वापस से नवंबर वाले क्लासेस, ओके। एंड बाकी जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे इस लिंक, ये एक सिंगल लिंक है हमारे सारे क्लासेस का, लेक्चर ट्रैकर है, बीसी के चैप्टर 6 1 बजे से स्टार्ट होगा। साथ ही साथ क्या बताइए आप जो है अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन एमडी सा कोड यूज करके ले सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लिंक्स मेरे इस लिंक पे भी मिलेंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। सो जरूर यार कमेंट करके बताइए कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगा है। पूरा का पूरा चैप्टर हमने इस एक वीडियो में ही खत्म कर दिया है, स्पेशल पे भी ले लिया मैंने, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी स्ट्रीम करवा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, यस हाँ थैंक यू सो मच गाइस। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कब बताइए, 6 जून को मिलेंगे 1 बजे बीसी के चैप्टर 6 के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।